with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अभी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा, क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 घंटे की क्लास में, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आने वाले 10 दिनों में आप लोग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और DI कीजिए। तो क्वाड्रेटिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक 2 घंटे में आज आप मेरे साथ खत्म कर देंगे। मेरा सोचना बस यही है कि आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे सिखा दूं। तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं देख लेता हूँ एक बार कितने लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। यस, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, अभी बहुत कम लोग बने हुए हैं। चलो भाई, तो आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट आ रही है, ठीक है। साथियों, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया, भैया फॉलो कर लो, क्योंकि कोई भी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मेरी मिलेगी तो आपको अनअकैडमी पर फॉलो करना है अरुण सिंह रावत। दूसरा साथियों, अगर मैं आपसे बताऊं कि अभी मेरा बैच शुरू हुआ था क्वाड्रेटिक, अगर आप जिसे क्वाड्रेटिक यहाँ भी पढ़ोगे उसके अलावा क्वाड्रेटिक को और अच्छे से रिवाइज करना है, तो साथियों जो मेरा 5 अक्टूबर का बैच है इसमें सिंप्लीफिकेशन खत्म हो चुका है, इसमें अब नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक ही आने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि सर क्वाड्रेटिक को बहुत आराम से पढ़ना है और डीप में समझना है, तो ये 5 अक्टूबर का जो मेरा बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, इस फाउंडेशन बैच में क्वाड्रेटिक शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अर्थमेटिक का जो बैच 20 तारीख से है ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप फाउंडेशन ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, मेंस की क्लासेस भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन करने के बाद आप अपना गोल चूज करेंगे बैंक एग्जाम, ठीक है बच्चे, आप गोल चूज करेंगे अपना बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम में चूज करने के बाद आप हिंदी चूज करेंगे और सीधे लिखा हुआ आएगा आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कितने महीने का सब्सक्रिप्शन,
तो आप बच्चे को बताएंगे कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जिसकी जो फीस होगी वो 6000 रुपये होगी, आप देख सकते हो, और 6 महीने की। अब आपको करना क्या है, 6000 पे नहीं करने। साथियों आपसे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरीके से हैव अ रेफरल कोड, आप कहोगे जी हाँ रेफरल कोड है आपका AVP10, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई डॉट वगैरह कुछ नहीं है, AVP10। और आप क्या करोगे, सीधे अप्लाई कर दोगे। देखो मैंने अप्लाई किया तो लिखा रहा है कि कोड अप्लाइड, और सीधे फ्लैट 10% का ऑफ आपको सारे फीस पे मिल गया, और बस अब आप इसको पे कर देंगे। पे करने के बाद आपको मेरा प्री का क्लास भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, और आपको फिर अरुण सिंह रावत सर्च करना है, मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ, वहां पर आपको ऑन गोइंग कोर्सेज में मेरे कोर्स दिखाई देंगे, आप ज्वाइन कर लो। तो बहुत ही सिंपल है, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, अनअकैडमी में, बैंक में जितने लोग पढ़ा रहे हैं सब मिल जाएंगे, टीम AVP मिलेगी आपको, बैंक मिले, बैंक में रीजीए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस। ये मोबाइल का रिचार्ज है या टीवी का रिचार्ज है, आपका मन है जो मर्जी वो देखो, समझ गए ना, एक बार थम्स अप करो फटाफट से कि जस्ट लाइक अ टीवी रिचार्ज, आपको बस रिचार्ज करना है, और रिचार्ज करने के लिए आपको प्रोसीजर मैंने समझा दिया, डिस्काउंट अगर आपको चाहिए मैक्सिमम तो आप यूज कीजिए AVP10। चलो सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हो एक नई शुरुआत भी हम लोग आज से कर सकते हैं। जो अब तक आपने किया, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, पीओ रहा हो, क्लर्क रहा हो, कोई भी एग्जाम्स, सब चीजें भूल के एक नई शुरुआत कीजिए। और IBPS क्लर्क, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, फिर आपसे बता रहा हूं कि कम से कम 1,000,000 फॉर्म भरेगा बेटा, 1,000,000 बच्चा फॉर्म भरेगा, और केवल 50,000 लोग ही मेंस में एलिजिबल होंगे या मेंस देने जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि 9.5 लाख बच्चा फेल हो जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा, और ये जो फेल होगा ये प्री एग्जाम में ही वो फेल होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो मेंस तो 50,000 लिखेगा, तो अगर आप देखो 9.5 लाख में ही आप बाहर हो गए तो मेंस किस काम का फिर। तो ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन जितना प्री एग्जाम्स में होता है उससे कहीं कम आपका मेंस में है, क्योंकि जो बच्चा मेंस में आ गया उसके पास में ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर 1 में से 1/20 लोग हैं, लेकिन यहाँ कितने लोग आप फाइट करने जा रहे हो। 9.5 लाख बच्चे प्री में फेल हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है फेल होना है कि पास होना है। क्लर्क एग्जाम्स के लिए स्पीड चाहिए होती है, स्पीड चाहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जो वीडियो मैं अभी 2 घंटे के आपके सामने रखने वाला हूँ, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। ये वीडियो मैं वाईफाई स्टडी में पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है वाईफाई स्टडी में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर बैंकर्स पेपर डाल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये मत लिखना कि सर ये रिपीट है, हम तो पहले पढ़ चुके। जो पहले पढ़ चुका है रिविजन कर लेना, जो नहीं पढ़ा है, जो बेसिक बच्चा है ये वीडियो उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया हुआ है, ठीक है। तो शुरू किया जाए फिर, चलो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, यस सर शुरू किया जाए। ये वीडियो ऑलरेडी मैं आपको वाईफाई स्टडी पे पढ़ा चुका हूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा है, और 2 घंटे का पूरा मैराथन है। इस मैराथन की क्लास अगर आप मेरे साथ आते हो 2 घंटे में, जो बच्चा नया है वो बहुत कुछ सीख जाएगा आज। तो शुरू करें फिर, चलो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मैक्सिमम लोग आ चुके हैं और हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर दें फटाफट से। अभी तो क्लास लाइव चल रही है, लेकिन अब जो मैं वीडियो प्ले करूंगा वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर, एक बार यार फोन लो अपना, ऐसे जाओ, शेयर करने में कितना समय लगता है, बस तुरंत गए हम लोग यहाँ पर, ये देखो शेयर पे गए तुरंत, और शेयर के नीचे लिखा रहा है व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, कहाँ मर्जी शेयर। तो जल्दी शेयर करो यार फटाफट से, फिर शुरू करते हैं। तो मैं सीधे वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है, और पता चल गया आप लोगों को कैसे कोर्स को एक्सेस करना है। चलो तो शुरुआत कर रहा हूँ, सीधे वीडियो लगा दे रहा हूँ, वीडियो आपके सामने। ये करता हूँ क्वाड्रेटिक में क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक में इतने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वाड्रेटिक में सर एक आता है आपके पास में बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये मतलब कितने तरह के सवाल बनते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन होता है, एक कॉफिशियंट वाला होता है, एक लार्ज कॉन्स्टेंट लार्ज नंबर होते हैं ऐसे करके, एक फिर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर क्यूबिक वाले आते हैं, फिर मिसलिनियस आते हैं, और फिर ये तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप करके जाएंगे, सही रहेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इक्वेशन। आज हम लोगों के पास में इक्वेशन होगी, इसके हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो आज का सेशन फैक्टर निकालना है। धीरे धीरे हम लोग क्या सीखेंगे, जिनके कॉफिशियंट लगे होते हैं उनके फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग बड़े नंबर को सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे रूट, फिर बड़े रूट, और ऐसे ऐसे करके हम लोग जाएंगे।
तो जरा एक बार कमेंट कर देंगे सर बढ़िया है। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो मेरा हमेशा से कहना है, क्वाड्रेटिक हमको समझना है साइन मेथड से। ये साइन मेथड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइन मेथड समझ में नहीं आया, आज तक किसी ने समझाया भी नहीं। साइन मेथड बहुत यूज होता है, मैं इतना समझाऊंगा नहीं। साइन मेथड होता क्या है, मैं आपको साइन मेथड नहीं समझाने वाला। क्यों नहीं समझाने वाला बताता हूं, क्योंकि साइन मेथड का इस्तेमाल तो होता है। अगर क्वाड्रेटिक में पांच क्वेश्चन आते हैं, पांच में से एक सवाल है जो साइन मेथड से बन जाता है, एक क्वेश्चन है जो साइन मेथड से बन जाता है। अब ये साइन मेथड कुछ बच्चों को लगता है कि सर याद करना पड़ता है, मेरा सोचना है याद नहीं करना है, समझना है। देखो कैसे समझना है, सबसे पहले दुनिया में प्लस आया था, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर हमने कहा दोनों प्लस है, फिर हमने कहा दोनों माइनस है, ठीक है। हमने क्या कहा, प्लस माइनस, हमने कहा प्लस माइनस, फिर हमने कहा दोनों प्लस दोनों माइनस। अब समझना, जब दोनों प्लस है तो दोनों माइनस, माइनस प्लस है, ये क्या हो रहा है, आ जाओ, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस। इस वाले को ऐसे ड्रैग कर लेंगे, इस वाले को यहां ड्रैग कर लेंगे माइनस प्लस, और इस वाले को यहां ड्रैग कर लेंगे, तो ये आपकी टेबल फॉर्मेट बन गई। फिर से सिखा दे रहा हूं कि टेबल को कैसे फ्रेम करना है, टेबल को फ्रेम करना सीख लो। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। आओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो मैंने क्या कहा, दोनों प्लस और दोनों माइनस के, तो क्या करोगे, दोनों प्लस है दोनों माइनस के, प्लस प्लस यहां जाएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस, बस इतनी बात आपको समझनी है। अगर मैं कायदे से कहूं तो इसमें समझने लगे ऐसा कुछ खास था नहीं कि बहुत कुछ समझना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये आप ही के लिए अच्छा है, और नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको और अच्छा भी समझ सकते हैं। तो चलो भाई शुरुआत करता हूं। 1600-1700 लोग सेशन देखने आ चुके हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करूं, माइनस प्लस, तो माइनस देखो दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों रूट किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा, अगर प्लस प्लस है दोनों माइनस के और माइनस प्लस है तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो लिखा होता है यहां पे, पीछे आ जाओ, माइनस प्लस, आप समझना मेरी बात को, एक मिनट, अरे उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट, देखो कहां गया, ये प्लस का और ये भी प्लस का, सॉरी, है ना, ये देखो यहां पे माइनस प्लस प्लस, तो टेबल बनाना कोई दिक्कत, देखो आप टेबल बना सकते हो, प्लस माइनस, दिख रहा हूं मैं एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या कहा कि दोनों नंबर पॉजिटिव के, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इसके भी रूट माइनस के आएंगे, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो क्या यहां फैक्टर निकालने की जरूरत है, क्या आपने कहा यहां फैक्टर निकालने की जरूरत है, नहीं, तो आप सीधे करोगे एक्स बड़ा है वाई से, ये तो सिंपल सी बात है जो आपके मैंने दिमाग में सेट कर दी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले यस करो, इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। 1700-1800 लोग बने हुए हैं सेशन में। क्या कहा कि दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। बताया था मैंने अभी कि प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये भी प्लस प्लस, माइनस माइनस, आपने क्या कहा, दोनों प्लस दोनों माइनस, माइनस प्लस दोनों प्लस प्लस, गॉट इट, थम्स अप, ये समझ में आ गई, बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक रूल तो ये है, एक चीज और आपको समझनी है, जो पॉइंट है बहुत ध्यान सुनना पॉइंट, अब जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, कि अगर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं, अगर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं तो उस केस में आंसर हमेशा सीएनडी होता है, उस केस में आंसर हमेशा सीएनडी। कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर पांचवा जो होता है ना, वो सीएनडी होता है हमेशा। मान लो अगर ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, इस केस में आंख बंद करके आपको बोलना है सीएनडी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो ये बार थम्स अप कर दे। एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं, वॉइस वगैरह सबको क्या रही है, है ना, क्या कहा कि दोनों कांस्टेंट अगर नेगेटिव हैं तो आंसर हमेशा सीएनडी होगा, यस। पहला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड है, बनाओ, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सर, 30 सेकंड लगेगा ही नहीं, 3 सेकंड लगेंगे। सर आपने कहा माइनस है, आपने कहा माइनस है, आप इतने बड़े फैक्टर निकालो ही मत, इतने बड़े फैक्टर निकालो ही मत, आपका आंसर सीएनडी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। अरे भैया हाँ या ना बोलो, अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी और भी ट्रिक है। क्या कहा मैंने,
मैंने आपसे क्या कहा, दोनों के कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो सी एंड डी टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड, बस आपको दोनों के कांस्टेंट चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोनों के कांस्टेंट क्या है, अगेन नेगेटिव है तो आपका आंसर फिर से सी एंड डी, कुछ करना ही नहीं, दोनों को देखते ही ऑप्शन नंबर 5 है। भाई सब हां करो, वीडियो को लाइक कर देना सारे लोग। सर 30 सेकेंड लगेगा, आप मुझे बताओ सर क्या 30 सेकेंड लगेगा, जवाब दीजिए सर, एवरीवन कम इन फास्ट। सर 30 सेकेंड लगेगा, मुझे बस यही जानना है, आसान है, हलवा है कि नहीं है, एवरीवन कमेंट कीजिए फास्ट। अरे कुछ तो कहो सर, हाँ या ना कुछ तो कहो। अगला सवाल, नेक्स्ट एक और देखते ही आंसर बन जाएगा। ये देखो फिर से, दोनों कांस्टेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5वां। इजी है, कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा, बच्चे लिख रहे हैं नो सर। तो वीडियो को फटाफट से, 1800 लोग देख रहे हैं इस समय, लाइक कौन करेगा भाई, लाइक तो कर दो जल्दी से। अगला सवाल, नेक्स्ट, अब आपके पास में 4 क्वेश्चन है, आपको 30 सेकेंड में चारों करने हैं, 4 क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में चारों करने हैं। देखो सबसे इस वाले का देखो, जल्दी बनाओ, चलो आप मुझे आंसर दो सर, फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, जल्दी दो फटाफट से, मजा आ रहा है सब लोगों को, अभी तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, जब कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, आपको कॉन्स्टेंट चेक करने, देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, और ये माइनस प्लस है, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो पहले वाले का आंसर हो गया कि एक्स बड़ा छोटा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, पहले वाले का माइनस माइनस सी एन डी, माइनस माइनस सी एन डी, माइनस माइनस सी एन डी। तो कितने लोग हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, जितने लोगों को आ गया जरा वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, अभी तो बस शुरुआत है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, जल्दी से कम ऑन एवरीवन फास्ट कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मात्र 1000 लोगों ने लाइक किया, ये गलत बात है, देखो ये गलत बात है, 1800-1900 लाइक देख वीडियोस को देख रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं, पहले वाले का भी समझ में आ गया था और बाकी सारे सी एन डी। अब आपकी बात आती है सर, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आपने देखा और बना दिया, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, आओ, वो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब फैक्टर कैसे निकालोगे, पहले आप बनाओ फिर मैं बताता हूं। मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आपने कहा देखो यहां पर तो कॉन्स्टेंट नेगेटिव है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या करोगे, है ना भाई, माइनस प्लस, आप कहोगे सर ये तो माइनस प्लस है, तो प्लस प्लस में आंसर आएगा, प्लस प्लस में कंपैरिजन कैसे होगा, यहां फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सी एन डी का मतलब होता है बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश बोल सकते हैं उसको। अब यहां पर फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं, आओ समझते हैं। देखो आपके पास पहली इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसको ब्रेक करना है अभी, पहले नंबर मैंने छोटे लिए ताकि सिखाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 8 बराबर में 0, तो आपने कहा 6। देखो आप दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए और इनका जो सम है वो माइनस 6 होना चाहिए, ऐसे नंबर बताओ कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए, 8 × 1 = 8, तो आपने कहा सर 4 × 2 = 8, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, भाई माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और ये हो जाएंगे। अब बाद में इनके साइन बदल देने हैं, तो ये x के फैक्टर आ गए, एवरीवन से यस और नो फास्ट। अब यहां पर भी सेम फंडा लगाना है, यहां पर भी क्या फंडा लगाओगे, बिल्कुल सेम फंडा, यहां पर भी आप यही कहोगे सर कि आपको क्या करना है, 15 चाहिए और 8 चाहिए, तो आपने कहा सर माइनस 3 माइनस 5, 3 × 5 = 15, 3 और 5 - 8 दोनों प्लस के हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। अब कंपैरिजन कैसे करना है,
ये x की वैल्यू, ये y की। कंपैरिजन बहुत ध्यान से सीखना जो मैं सिखा रहा हूं, कंपैरिजन बहुत ध्यान से सीखना बच्चे। आप इसको कंपेयर करो इससे, कौन बड़ा है, तीन से कंपेयर कर रहे, चार को कंपेयर कर रहे तीन से, चार बड़ा है, चार को कंपेयर किया पांच से तो पांच बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी सी एंड। जब साइन हो गए उल्टे तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पांचवा। इजी है, समझ में आ रहा है, जब भी आपके साइन ऐसे हो जाएं, ये देखो, तो उस केस में भी आंसर सी एंड डी होता है, जिसको बोलते हैं संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस और नो कर दो एवरीवन, एवरी सब लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कितने लोग लाइव है इस समय पता नहीं चल रहा है, पर जितने भी लोग लाइव हैं, हलवा समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, जल्दी से बोलो हाँ या ना। चल एक सवाल और, ठीक है 30 सेकंड आप ट्राई करेंगे, बनाओ शाबाश, बनाओ 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 शाबाश। इजी है, अब इस नंबर को देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, 10 और 24 चाहिए तो क्या मिलेगा फैक्टर, 6 चौको 24, यहां बस फैक्टर निकाल के कंपेयर, वीडियो को शेयर जरूर करें सारे लोग। देखो आपने कहा सर माइनस 10 है, तो आप क्या फैक्टर बनाओगे, बताओ फैक्टर क्या मिलेंगे, आप कहोगे सर माइनस का 6 और माइनस का 4, 6 4 24, 6 4 10, दोनों हो जाएंगे प्लस के। अब आपने कहा माइनस का 8 और माइनस का 6, दोनों हो जाएंगे प्लस के। अब देखो कंपैरिजन किया 6 और 8 में 8 बढ़ाए, 6 और 6 में बराबर है, 4 और 8 में 4 बढ़ाए, 4 और 6 में ये बढ़ाए, तो कौन बढ़ाए, वाई बढ़ाए, तो आप कहोगे एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। आया समझ, कंपैरिजन समझ में आ रहा है सर, 1800 लोग हैं सेशन में बने हुए, समझ में आ रहा है कंपैरिजन, कि सर 6 और 8 में 8 बढ़ा, 6 और 6 बराबर, 4 और 8 में 8 बढ़ा, 4 और 6 में 6 बढ़ा, तो वाई के नंबर बढ़े, तो हमने कहा या तो वाई बड़ा है एक्स से या एक्स छोटा है वाई से। समझ में आ रहा है, एक बार जरा हाँ या ना कुछ करो सर, इजी है 30 सेकंड, कम ऑन एवरीवन से यस और नो फटाफट से फास्ट। जो बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेसिक्स पहले, पहले बेसिक समझना है, इसके बाद मैंने कहा कि मैं सेशन लाऊंगा इस पे और हाई लेवल के भी, तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। आ रहा है समझ में, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फैक्टर्स बनाइए, बस याद रखना जो फैक्टर्स आएंगे बाद में साइन बदल देने हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अब देखो 17 72 15 56, याद रखना इस आने वाले चार सेशन में मैं जितने सवाल कराऊंगा, मैं 99% कह सकता हूं एक भी सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। बना बनाओ शाबाश, कोचिंग क्लास जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखो। सर बस ये बता दो एक बार फैक्टर कैसे बने, वही बता रहा हूं, अब देखो फैक्टर कैसे बने यार, देखो इस वाले को ध्यान से देखो, जिसने भी ये सवाल पूछा इसको ध्यान से देखो, ठीक है बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी मैक्सिमम लोग डी आंसर कर रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे दो नंबर का मल्टीपल बताओ जिनका मल्टीपल होना चाहिए 72 और इनका सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 17, तो बताओ 9 8 72, 9 और 8 17, बस इतना दिमाग लगाना है। तो आपने कहा सर 9 और 8, किसी को भी पहले लिख दो फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के, गॉट इट, हाँ या ना बोलो, 9 और 8 17, 9 8 72, माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों प्लस के थे, तो याद रखना है साइन हमेशा उल्टे कर देने। अब 56 और 15 तो क्या मिलेगा, 8 और 7, 8 7 56, 8 और 7 15, तो माइनस का 8 और माइनस का 7, ये इसके फैक्टर आ गए। इजी लग रहा है, आप कंपैरिजन कैसे करेंगे सर, कंपैरिजन में तो दिक्कत है, तो 9 और 8 में माइनस के केस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो ये इसमें कंपेयर किया तो ये बड़ा, इसमें कंपेयर किया ये बड़ा, इसमें किया बराबर है इसमें ये, तो आप कहोगे x लेस देन इक्वल टू y। कैसा था क्वेश्चन, इजी है,
बहुत सारे लोग डी ऑप्शन कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या डी इसका सही आंसर है। तो आपने कहा बिल्कुल सर डी इसका सही आंसर है। आप जरा कमेंट करके बताओ सर आसान लग रहा है टफ लग रहा है, फैक्टर्स निकालने अभी तो बहुत, अभी तो मैं छोटे फैक्टर्स पे ले रहा हूं जो देखते ही बन जाएंगे कि 9, 8, 17, 72, 8, 7, 15, 56। अभी फैक्टर्स बड़े आएंगे जब कोफिशिएंट भी होगा तब बड़े फैक्टर आएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और सवाल बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, देखते हैं कितने लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सही। वीडियो को लाइक जरूर कर दें सारे बच्चे। एवरीवन फास्ट। चलो अब देखो 40, 13 तो 8, 5, 18 और 72, 12, 6 तो फैक्टर्स कुछ तो ऐसे देखते बन जा रहे। देखो ये प्लस का है 40, तो आपने कहा सर 5 और 8, तो 5 और 8, 13 तो प्लस प्लस दोनों माइनस। फिर आपने कहा 18 और 72 तो माइनस प्लस का 12 और 6 दोनों माइनस क्यों जाएंगे। ये देखो भाई 12 सिक्स 72, 12 और 6 18 आ रहा है समझ। अब कंपैरिजन, इसको इससे कंपेयर किया, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये बड़ा होगा। इसको इससे कंपेयर किया फिर से बड़ा, इसको इससे कंपेयर किया यही बड़ा, इससे कंपेयर किया ये बड़ा हो गया। तो आपका आंसर सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5वां। देख लो इसका आंसर क्या है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आप समझ रहे हो ना आंसर ई क्यों हुआ भाई? 5 और 12 में आपने कहा 5 बड़ा है, 5, 6 में 5 बड़ा है, 8, 12 में 8 बड़ा, लेकिन 8, 6 में 6 बड़ा हो गया क्योंकि नेगेटिव में इतना छोटा हो उतना बड़ा। इजी है, अरे कुछ कहोगे? हाँ ना, कुछ तो कहो। एवरीवन फास्ट, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सब बच्चों के, जितने ही बच्चे हैं यहां पर। नेक्स्ट एक और बनाइए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। बनाओ ना शाबाश, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहां पे दिक्कत होगी सर प्लस माइनस में। बनाओ ना शाबाश, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बताओ, है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है सर क्वेश्चन करने में? मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। देखो 24 चाहिए और 11 चाहिए, बताओ क्या मिलेगा? माइनस का 8 और माइनस का 3, 8, 3 24, 8, 3, 11 दोनों प्लस हो जाएंगे। साइन हमेशा उल्टे कर देने। अब 18 और ये तो 6 और 3, 9 प्लस प्लस के हैं ये, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस का 6 और माइनस का 3। अब यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों प्लस के हैं ये दोनों माइनस के, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स बड़ा होगा वाई से, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये आप साइन मेथड से भी कर सकते थे। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ साइन मेथड। कैसे? देखो आपने कहा सर ये दोनों प्लस के आएंगे और ये दोनों माइनस के आएंगे, तो आपने सीधे कहा एक्स बड़ा है वाई से, तो ये वाला सवाल आप साइन मेथड से कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि साइन कब यूज करना है? जब एक तरफा मुकाबला है। साइन का मतलब क्या? जैसे आप क्या करते हो, देखते ही बोल देते हो। जैसे मान लो मैंने कपड़े पहन रखे, तो आपने मुझे कैसे कहा, आपने कैसे कहा कि मैं लड़का हूं? बताओ कैसे कहा, आप मुझे बताओ कैसे कहा लड़का हूं? परसेप्शन क्या होता है? आप किसको देखते हो? मेरी वेशभूषा है ना, वेशभूषा को देख के तो आपने कहा अरुण सर आपकी दाढ़ी है, लड़कों की दाढ़ी होती है। आपने कहा आपके बाल छोटे हैं, ठीक है भाई। आपने कहा आपने टी शर्ट पहन रखी है और आपने कोट पहन रखा है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, यही वेशभूषा हल्की फुल्की दाढ़ी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लड़की की हो, तो हम क्या करेंगे? हम तो कह देंगे लड़का है, लेकिन साइन मेथड से क्या, साइन मेथड क्या आंसर देगा? वेशभूषा देगी। लेकिन आपको नहीं, से लड़के लड़की है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। वही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी, फैक्टर्स कब निकालने हैं? जब आप श्योर नहीं हो, है ना? मजा आ रहा है? हाँ वही चीज है, बस लाइफ को जोड़ो अपनी जिंदगी से। अगला सवाल, चलो तो पहले का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लाइफ, ये रहा क्वेश्चन, आ गया ये रहा।
अरे टाइम बार क्यों जाम हो गया। चलो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। बनाओ 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 सवाल। हाँ बहुत, जिनको मजा आ रहा है लाइक करो या लाइक नहीं करो। 1300 लोगों ने लाइक किया है वीडियो, गलत बात है। एक बटन दबा दो, एक सेकंड लगेगा। बनाओ भैया आंसर दो। इजी है, बहुत इजी है। अब देखो, अब फैक्टर्स यहां मुसीबत आई है कि सर ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 20 होना चाहिए और इनका जो सम है वो होना चाहिए एक, भाई माइनस 20 और एक, तो ऐसे फैक्टर क्या मिलेंगे बताओ। तो आप कहोगे सर 5 और माइनस 4, 5 इंटू 4 माइनस 20, 5 में से 4 गया 1, फैक्टर आए नहीं आए समझ। थोड़ी आप अभी मान लो आप बिगनर हो तो हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन आप धीरे धीरे सेशन देखने डेली आओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको फिर टाइम नहीं लगेगा अगर आप डेली आते हो सेशन देखने, है ना। बस क्या है, बस शर्त है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अभी आपको थोड़ा मुश्किल होगी कि सर माइनस 20 है तो 5 और 4 अब माइनस 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस 5 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या बन गए, प्लस का 4 और माइनस का, सॉरी प्लस का 5 माइनस का 4। आया नहीं आया समझ, फिर से एक बार देखो, ये माइनस 20 था तो मैंने कहा माइनस 4 प्लस का 4, 5 में से 4 गया 1, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो आप इसलिए इसको प्लस का करोगे इसको माइनस करोगे तभी ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके फैक्टर क्या गए, प्लस का 5 माइनस का 4। अब मैंने आपसे कहा था साइन बदल जाएंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 और प्लस का 4। एवरीवन क्लियर है, हाँ या ना कुछ तो कहो, क्या ये पॉइंट क्लियर है, थम्स अप फटाफट से। ठीक, अब इसके बनाओ, सिंपल है इसके, तो माइनस 8 और माइनस 5 तभी प्लस का 40 मिलेगा और तभी माइनस का ये, तो ये हो जाएंगे प्लस का 8 और प्लस का 5। अब कंपैरिजन, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा, ये बड़ा, तो x छोटा है y से, इक्वल टू क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, x छोटा है y से, इक्वल टू कहां से आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग इक्वल कैसे बोल रहे हो, सीधा सीधा x बड़ा कहां से है यार, कुछ लोग x बड़ा बता रहे हैं, बड़ा कहां से हो जाएगा x, तुम लोग कहां दिमाग लगा रहे हो भाई, x बड़ा कैसे हो जाएगा बताओ, हवा में तीर मत मारो। अगला सवाल चलो बनाइए, फैक्टर्स देखना बनाना, थोड़े से फैक्टर अच्छे हैं इस बार। एक मिनट, चलो बनाओ। Let's see who will answer first. सी एंड डी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। आओ मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को समझना है, 63 को ब्रेक करो। ए इंटू बी आपको क्या चाहिए, 63, और आपने क्या कहा सर ए प्लस बी आपको कितना चाहिए, प्लस का 2, तो फैक्टर बताओ 9 और माइनस 7, 9 से 63, 9 2 के साथ, तो फैक्टर क्या मिले, यहां पे यहां मिला प्लस का 9 माइनस का 7, फैक्टर्स बदल जाएंगे, तो आप फैक्टर्स बदल के क्या कहोगे कि भाई साहब ये माइनस का 9 हो गया और ये प्लस का 7 हो गया, हाँ या ना बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, स्टेप क्लियर है इतना। अब यहां देखो ये 35 है और ये 12 है, तो माइनस का 5 और माइनस का 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 7। अब फैक्टर कंपैरिजन करने, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, 9 और 5 में ये बड़ा है, 9 7 में ये बड़ा है प्लस वाला, ये वाला बड़ा है, 7 5 में 7 बड़ा है, तो आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो सी एंड डी है भाई। आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, कहां दिमाग है यार, 7 5 में 7 बड़ा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो,
एवरीवन से यस और नो, गलत हो क्यों रहा है सर? सीएनडी आंसर है, आप देख सकते हो इसका, इसका जो आंसर है वो सीएनडी है, ऑप्शन नंबर ई। क्यों गलत हो रहा है? ये दोनों प्लस के आएंगे, प्लस पांच प्लस सात, तो नौ में से तो यही बड़ा है, सात में सात बड़ा हो जाएगा, बस ये साइन उल्टा हो गया। एक और नेक्स्ट, चलो बनाओ, ट्राई करो, इजी है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया था आपको, शायद मैं बताऊंगा इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए पहले चलेंगे भी कॉन्सेप्ट्स पे, पहले ट्राई करो। चलो जितने लोगों को मजा आ रहा है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए कहां चलेंगे? इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप चलो मेरे साथ एक जगह, अभी मैंने सिखाया था, इस पे आ जाओ, इस वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहां जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि x की पावर अगर इवन है, लिखा हुआ है, देखो x की पावर क्या है अगर इवन नंबर, दो चार छह, तो केवल उसके दो रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे? दो रूट आएंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ये बात समझ में आ गई? x की पावर इवन है, दो चार छह आठ कुछ भी है, तो दो रूट आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। उसके अलावा मैंने कहा कि x की पावर अगर ऑड है, पावर वन है, पावर थ्री है, पावर फाइव एंड सो ऑन, तो केवल उसका एक रूट आएगा, वो होगा केवल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वन रियल रूट्स होगा उसका, अदर रूट्स नहीं निकालते उसके, अदर होते हैं लेकिन वो इमेजिनरी होते हैं, तो हमें एक रूट से मतलब है। ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा कि अगर पावर टू है तो दो रूट, पावर एक है तो एक रूट। अब सवाल पे आते हैं, जिस सवाल पे थे हम लोग उसी सवाल पे आते हैं। कहां गया सवाल? ये रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहो, तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा प्लस का टू और एक आएगा बेटा माइनस का टू। ये बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और वाई के फैक्टर निकाल देंगे, छह चाहिए तो माइनस तीन प्लस तीन माइनस दो, क्योंकि तीन दुनी छह, तीन में से दो गया एक, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का तीन और प्लस का दो, ये हो गए वाई के फैक्टर। आप कंपैरिजन करो, जब कंपैरिजन करोगे दो और तीन में ये बड़ा है, इसमें बराबर है, माइनस दो माइनस तीन में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, तो अगेन इसका आंसर सी एंड डी। या एक तरीका और बताऊं इसका, ये समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। सी एंड डी एक तरीका और था जो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो, और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस छह बराबर जीरो, दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, तो आंसर सी एंड डी। दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो आंसर सी एंड डी भाई। कमेंट करो सर, वीडियो अटक गया? कौन कह रहा वीडियो अटक गया भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ही बताओ। जितने लोगों को ट्रिक समझ में आई वीडियो को लाइक, 1500 लोगों ने लाइक किया अभी तक वीडियो को, 1900 लोग देख रहे हैं। जल्दी से फटाफट से एक सवाल और, इसी पर एक सवाल और दूंगा फिर मैं आपको, एक सवाल और है, बताइए, ट्राई कीजिए। एक्स क्यूब 64 है, वाई स्क्वायर 25 है आंसर। तो एक्स की पावर ऑड है तो एक वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू हो गई चार, यहां से वाई की दो वैल्यू आएगी, पांच माइनस पांच कॉमा, ठीक है, चार पांच में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, भाई चार और पांच में कौन बड़ा है? पांच बड़ा है, चार को माइनस पांच से चार, तो आंसर फिर सी एंड डी, यानी पांचवा ऑप्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो ये बताओ, कॉन्सेप्ट्स बराबर क्लियर हो रहे हैं? तो फिर लाइक भी नहीं कर रहे यार, कब करोगे लाइक? इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि इसको समझ में आ गया। चलो एक और सवाल पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन आ चुका है, टाइम स्टार्ट ना बना बना समझ। एक्स स्क्वायर 1296 वाई 1296 रूट में। अब आप कहोगे दोनों बातें एक ही तो है, लेकिन आंसर फिर भी फर्क पड़ेगा। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। क्या करोगे, यहां से दो वैल्यू आएंगी, प्लस का 36, 36 का स्क्वायर रूट है ना ये, और माइनस का 36। यहां से केवल एक वैल्यू आएगी, बस एक, सीएनडी मत करना, एक वैल्यू आएगी प्लस का 36 केवल, क्योंकि ऐसे ही ना ये ऐसे है, तो दो नहीं आएंगी एक आएंगी, क्योंकि पावर वन है मेरे भाई। मैंने अभी समझाया था, अभी समझा दिया, फिर पूछ रहे सर सीता किसका बाप था, पूरी रामायण सुनाई थी ना अभी, कि पावर देखना है, पावर दो है तो दो वैल्यू, पावर एक है तो एक वैल्यू। अब कंपैरिजन कर लो, 36 36 बराबर है, इसमें ये बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू y इसका आंसर है। सीएनडी क्यों, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी किताबों पे भी गलत लिखा हुआ है, आप बहुत सारी बुक्स देखोगे उन पे भी ये गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी किताब जो पब्लिश होती है ना उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, सीएनडी दे देते हैं जो पुराना पब्लिकेशन है, और बच्चे वही करके आते हैं, फिर बच्चों के नंबर कट जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उनके पूरे 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स हैं यार मैथ्स में, सोचो, मतलब एग्जामिनर भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो आप जितने भी लोग गलत कॉन्सेप्ट सीख के बैठे हो यहां पे या कर रहे हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई वो अपना कॉन्सेप्ट सही कर लें। पावर दो, दो वैल्यू, पावर एक, एक वैल्यू, समझ गए ना। अगला सवाल, अच्छा इसका एक वो भी रीजन है, एक रीजन और भी है इसका, आपने बचपन में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे ध्यान नहीं, एक्स स्क्वायर अगर लिखा है 4, तो x क्या होता था, यहां प्लस और माइनस ऐसे चलता था, ये चलता था ना, तो हम लोग बोलते थे दो वैल्यू आएंगी। सर आपने बचपन में सीखा होगा, मुझे ध्यान नहीं आपने सीखा नहीं सीखा, खैर बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर 4 है, सिंप्लीफाई करते थे तो एक्स की वैल्यू यहां प्लस भी आती थी और माइनस भी ऐसे आती थी, इसलिए हम लोग दो वैल्यू बोलते थे, दो और माइनस दो। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1296, तो यहां तो कोई साइन है ही ना, तो ये प्लस का ही आएगा 36। अब आया समझ में, जब लिखा हुआ है अगर ऐसे मान लो y इज इक्वल टू रूट 4, यहां प्लस माइनस कुछ नहीं है तो केवल प्लस ही लेंगे ना 2, और यहां तो ये आता है जब ऐसे हटता है, तो ये देखो अब आ गया समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिनको आगे लाइक कर देना वीडियो को। अगला सवाल, एक और बनाओ साबाश। कोई आंसर किसी के पास, लेट्स सी कम ऑन एवरीवन फास्ट। सर कोरोना का खत्म होगा, एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हैं यार। देखो पूरा देश दुआ कर रहा है कि कोरोना खत्म हो, आप एग्जाम की सोचिए, बहुत सारे लोगों की शादी थी यार वो पोस्टपोन्ड हो गई है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ ठीक है समझ में आता है, सोचिए बहुत सारे लोगों की शादियां थी अप्रैल में, जिनके कार्ड बट चुके हैं। अभी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं आपको मैं किस्सा बताता हूँ, मुझे कल ही घर से मालूम चला था, मैं घर पे बात कर रहा था तो घर से फोन आया कि सब चीज तो ठीक है, चलो भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, एग्जाम फिर होगा, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी शादियां थी अप्रैल में, और इवन तो कार्ड उनके बट चुके थे, अब आप सोचिए, और कार्ड बट चुके हैं लेकिन लॉकडाउन है, बेचारे वो क्या करेंगे। अब सोचो जिन जिनको उन्होंने कार्ड दिए उनके नंबर तो होंगे नहीं ना, मेरे रिश्तेदारों के तो नंबर है, चलो फोन करके कह देंगे भैया शादी के, अब आप इमेजिन कीजिए क्या होगा, मतलब क्योंकि शादी है भाई, 300-400 कार्ड बांटे हमने, अगर इतना सब जगह कार्ड बांट के और अब पता चला कि यार वो तो जो है मेरी शादी नहीं, मेरी हो चुकी है, अब यही वाली सिचुएशन है। आ जाओ, कोरोना ने सबको प्रभावित किया, सेम चीज है, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का एक और एक माइनस का एक है ना, यहां से देखो 3 प्लस का 3 प्लस का एक, तो माइनस का 3 और माइनस का एक, आप कंपैरिजन कर लो,
इसमें इसमें प्लस बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, बराबर। तो एक्स बड़ा भी है और ये भी है वाई के, कुछ है ही नहीं, है ना? सही है एवरीवन, इजी लग रहा है? तो जरा एक बार यस और नो कर दे सर, इजी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट एक और जल्दी से फटाफट से ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। तुम हर चीज में सीएनडी लगा लो, प्यार हो गया क्या सीएनडी से, हर बार उसी का नाम ले जा रहे हो, हैं? थोड़ा दिमाग लगा लो, 20-30 फैक्टर निकालो। अभी तो कॉफिशियंट भी नहीं है यार, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल सिखा रहा हूं, बिना कॉफिशियंट के फैक्टर निकालना। आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो आप फैक्टर ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 5 और 4, तो आप करोगे सर प्लस का 5 और माइनस का 4। फैक्टर्स को ब्रेक करोगे तो माइनस 5 प्लस का 4, ठीक है, ये ब्रेक करोगे प्लस का 6 और माइनस का 5, 6 5 30 और ये, तो इसको बदल दोगे माइनस का 6 और ये चीज हो गई। तो अब कंपैरिजन करोगे, इसमें इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा बड़ा, इसमें इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, तो सीएनडी आंसर फिर से। और या मैंने बताया था कुछ करना ही नहीं है, दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, तो आंख बंद करके सीएनडी, आंख बंद करके। लेकिन दिमाग काम नहीं करता सर, अभी देखो ये दिमाग आपने अब बाद में कुछ लोगों ने लगा लिया होगा कि सर दोनों नेगेटिव है करो ही मत, लेकिन मैंने करके भी दिखाया, वहां से भी सीएनडी आ रहा है और यहां से भी। तो ये तरीका करना का फायदा क्या, एग्जाम में बस इसी बात के पैसे मिलते हैं और इसी बात में आपका सिलेक्शन होता है। तो समझ में आ गया साइन मेथड कैसे यूज होगा, ठीक? तो इजी लगा, एक और सवाल जल्दी से फटाफट से बनाएंगे, 30 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट नाउ, बनाओ फटाफट से। और वीडियो को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं यार, ये गलत बात है, इतनी मेहनत से देखो यार तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं तुम्हें कि तुम अच्छा सीखो, ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वी आर गिविंग यू बेस्ट कंटेंट। तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो करो सोशल मीडिया पे। आज मुझे सब लोगों से, मेरे फेसबुक ग्रुप पे कितने लोग ऐड हैं, फेसबुक का एक मेरा ग्रुप भी है, 76,000 के आसपास लोग ऐड है उसमें, सारे लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक देना है सबको, बनाओ बनाओ शाबाश, शेयर करो यार, आपका शेयर पता नहीं किसको शेयर दिला दे, दो वैल्यू आएंगी। प्लस का 4 माइनस का 4, अब इसको देखो, प्लस का 6 और प्लस का 6 ही मिलेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का 6 माइनस का 6, तो इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, जो जितना छोटा ये, तो आपका आंसर वाई बड़ा है एक्स से, मतलब एक्स छोटा है वाई से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी लोगों ने किया भी, इजी है, तो मजा आया कि नहीं आया? चलो भैया एक सवाल और, ये घर के लिए दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, जितने लोग ने किया इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में दोगे, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, रुक जाओ जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, ये रहा, ट्राई करेंगे घर पे, दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट खींच लेना। पहले जरा ये बताओ कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से एवरीवन फास्ट दो। चलो भाई शुरुआत करता हूं, टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है, तो शुरुआत करता हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करें, जरा एक बार कमेंट कर दें सारे लोग, मैं भी देख लेता हूं कितने बच्चे इस समय लाइव आ चुके हैं। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है, तो शायद थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल आज मेरे अंदर कम लगेगा, बट कोई इशू नहीं है, हम टॉपिक के साथ चलेंगे। चलो तो जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज क्वेश्चन वो वाले हैं जिसमें कॉफिशियंट भी आपको दिया होता है, चलिए बनाइए, लेट्स सी गाइस हु विल आंसर फर्स्ट। अब
30 सेकंड में ट्राई करना है, अप्रोच मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगी। चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही बनाओ। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कैसे करना होता है, अप्रोच क्या होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉफिशियंट से करते हैं। तो 2 2 जा 4, तो हम बोलते हैं ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 होगा और ऐसे दो नंबर जिनका सम होगा बेटा माइनस का 5। अब ऐसे नंबर कौन से होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है सर माइनस 4 और माइनस 1। माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और 4 एकम 4 हो जाएगा। ये माइनस के हैं, साइन मैंने कल भी बताया था बदल जाते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉफिशियंट से डिवाइड करते हैं। मैं कह रहा हूं कॉफिशियंट से डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अगर दोनों के कॉफिशियंट सेम है तो ना तो डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। ये ऐसी आपके एक्स के फैक्टर आ गए, दोनों के कॉफिशियंट 2 है, देखो दोनों के कॉफिशियंट यहां पर सेम है, तो जब कॉफिशियंट सेम होगा ना ही डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई। हम डायरेक्टली कंपैरिजन इसका देखो, 7 दुनी आपने कहा 14, तो फैक्टर क्या मिलेंगे, माइनस का 7 माइनस का 2, तो फैक्टर मिल जाएंगे प्लस का 7 और प्लस का 2। ये आ गए आपके वाई के फैक्टर। अब इसमें कंपैरिजन करना है, कल भी मैंने सिखाया था कंपैरिजन करने के लिए कि क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए सीधे सीधे 4 7 में 7 बढ़ाए, 4 2 में 4 बढ़ाए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। चेक कर लेते हैं सही जवाब क्या है, तो आपने कहा 1 मिनट, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5। समझ आया कि नहीं आया, तो आपने नोटिस किया यहां पे कि सर जब दोनों के कॉन्फिशेंट सेम रहते हैं तो ना ही डिवाइड करेंगे ना ही मल्टीप्लाई करेंगे। एवरीवन क्लियर है, जरा थम्स अप कर दें सर फटाफट से, जितने लोगों का आंसर सी एंड डी आया। तो जब भी कॉफिशियंट बराबर होगा बिल्कुल ध्यान रखना है डिवाइड नहीं करना ना ही मल्टीप्लाई, एज इट इज नंबर को कंपेयर कर लेना है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहां पर कॉफिशियंट अलग अलग है तो क्या यहां पर डिवाइड करेंगे, देखते हैं। पहले आप ट्राई करो, 30 सेकेंड है। सर डिवाइड करना, मैंने क्या कहा, जब कॉफिशियंट सेम है तो डिवाइड नहीं करना दोस्त। अब यहां पे कॉफिशियंट अलग अलग है तो क्या यहां डिवाइड करेंगे, बताता हूं। डिवाइड करने वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं आपको मल्टीप्लाई करने वाला काम सिखाऊंगा, ठीक। चलो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो 30 सेकंड में टाइम। आप देखो ये 30 है, ये 2 है, तो 30 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो जाएगा 60, और बीच में कितना है 16, फैक्टर्स क्या मिलेंगे 10 और 6 10 छक्का 60 10 और 6 16 10 6 60 10 और 6 16, प्लस के हो जाएंगे, तो दोनों बाद में किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब सवाल उठता है क्या सर 2 से डिवाइड करें, नहीं नो डिवाइड नहीं करना, विरुच जाओ 5 3 जा 15 और यहां पे 8, तो फैक्टर्स मिलेंगे 3 और 5, तो यहां माइनस के हो जाएंगे -3 और -5। एवरीवन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया ना बोलो, फैक्टर समझ में आ रहे। अब सर ये 2 और 3 का क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले की 3 से, क्योंकि ऊपर नीचे कर देना है, ऊपर वाले का कॉफिशियंट 2 है तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई 2 से इसकी 3 से कर लो, डिवाइड मत करो, डिवाइड करना मुश्किल है मल्टीप्लाई फिर भी इजी है। तो आपने क्या सर, ये हो गया बेटा माइनस का 30, 6 3 18 मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 2 5 10। अब ये आपने कहा ये एक्स का कॉफिशियंट था, ये वाई क्या है, वैल्यूज आए, कंपैरिजन 30 और 6 में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, आपने कहा सर ये बड़ा है, इसमें कहा आपने सर यही बड़ा है, इसमें आपने कहा सर ये बड़ा है, ये बड़ा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स छोटा है वाई से। काफी लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो डिवाइड नहीं करना है। मैं डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये 2 है ये 3 है, इसके कॉफिशियंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई, मतलब यहां 3 से कर लो और यहां 2 से, तो ये देखो डिवाइड करोगे तो कोई फायदा नहीं, मल्टीप्लाई फिर भी इजी है, और अगर सेम हुआ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है, 1800 लोग बने हुए, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन का रेशियो डबल कर दें फटाफट से। तो 1800 लोग लाइव आ चुके हैं, 1800 लाइक्स कम से कम बनते हैं। सर मल्टीप्लाई करना है डिवाइड नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दूं, जरा एक बार कमेंट कर दे से समझ में। निशांत कुमार, गौतम, रवि, रवि बेटा क्या समझ में नहीं, रवि कांतिवाल, रवि क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ। सिंपल तो है यार, फैक्टर्स बनाने,
32 जा 60 को ब्रेक किया और 16 चाहिए, तो 10 और 6 16 60। ये तो कल भी मैंने सेशन में बताया था, मजा आ रहा है, एक बार यस कर दें सब लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 30 सेकंड है, सोचिएगा। अब देखो यहां पे भी अलग अलग है कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 7 चाहिए, 4 5 20 और 9 चाहिए, तो फैक्टर वही आ जाएंगे एज इट इज। जो जितना जल्दी कर पा रहा है उसके लिए बहुत काबिले तारीफ की बातें हैं। बनाओ बनाओ समझ। लेट्स सी एवरीवन, फैक्टर्स बनाने का खेल है सर, आप कितना जल्दी बना पा रहे हो। फोर और थ्री 12 7, तो आप कहोगे सर तीन और चार ही मिलेंगे, चार और तीन सात होता है, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, बताया था मैंने कल भी, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो यहां, मल्टीप्लाई चार से, क्योंकि यहां ऊपर नीचे, इसके हो जाएंगे चार और पांच, तो माइनस का चार और माइनस का पांच, क्योंकि चार पंजे बीस, चार पांच नौ, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के थे, और यहां मल्टीप्लाई तीस से। अब करो, तो आपने कहा सर चार तीया बारह, चार चको सोलह, तीन चको बारह, तीन पंजे पंद्रह, ये आपके x के कॉफिशियंट हैं, ये आपके y के आ गए। अब कंपैरिजन करना, इसमें ये बराबर है, इसमें जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, इसमें जो जितना छोटा वो बड़ा, तो साइन उल्टे हो गए, तो आपका आंसर हो गया सी एंड डी। क्या दिक्कत थी बताओ, एवरीवन कमेंट कीजिए सर, आसान लग रहा है टफ लग रहा है, डी ऑप्शन कर रहे हैं कुछ लोग। भाई 12 और माइनस 12 दोनों बराबर हैं, माइनस 12 15 में, जो जितना छोटा 12 बड़ा है, फिर माइनस 16, एक मिनट, फिर मैंने कहा माइनस 16 माइनस 12 में, तो 12 बड़ा होगा ना ये वाला, तो साइन उल्टे हो गए, तो आंसर सी एंड डी है। कहां कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों आप लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं सर, कमेंट करके बताइए, गलती से भी गलत क्यों हो रहा है यार, क्वाड्रेटिक पूरे पूरे पांच नंबर का आता है, इजी है। जितने लोगों ने सी एंड डी किया उनके लिए क्लैप, और जिनका गलत हुआ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, गलत हो क्यों रहा है, कंपैरिजन में गलत हो रहा है तो इस तरीके से करो ना, इस तरीके से आसान होगा, यस इजी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, चलो ट्राई करो। अब देखो यहां पे कॉफिशियंट दोनों के सेम है, 2 और 2, तो ना डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। बनाओ बनाओ सबाश, बनाओ बनाओ सबाश। आ जाओ, बनाओ बनाओ सबाश। साउंड नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, भाई कितने लोग हैं जिनको साउंड नहीं आ रहा है, जरा एक बार कमेंट कर दें। साउंड के लिए कि बहुत लोग कह रहे हैं सर साउंड नहीं आ रहा है, साउंड क्यों नहीं आ रहा है यार, मैं साउंड आवाज तो आ रही है यहां से, मेरे एंड से सब कुछ ओके है। चलो तो आप क्या करोगे, देखो 15 2 30 इसकी मल्टीप्लाई से करनी, तो आपको मिल गया 30, बीच में 11 चाहिए, तो आप कहोगे सर 6 और 5 दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, इजी है। फिर 27 2 54 और ये कितना है 15, तो आप कहोगे सर 9 और 6 15, 9 6 54 दोनों माइनस के। अब ना ही डिवाइड करना है ना ही मल्टीप्लाई, दोनों सेम है, तो देखो इसमें इसमें ये बड़ा है जितना छोटा, इसमें बराबर है, इसमें इसमें ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो आपका आंसर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने आंसर किया था जरा एक बार बता दो, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, मैंने कहा ना धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, हमारा सोच ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से छलांग नहीं मारनी है, आराम आराम से सीखते हुए चलना है, हर एक क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करना नहीं है हमें, क्वेश्चन को जल्दी भी करना है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सवाल कर पा रहे होंगे, मैंने एक बार आपसे शुरुआत में कही थी सवाल करना नहीं है, सवाल को 30 सेकंड में करना है, हमें इस तरीके से अपने आप को ढालना है कि ओरल करें, हमारा पेन और हाथ और मुंह ये सब चीजें अपने आप चलता रहे, सिस्टमेटिक होता है ना इस तरीके से, वो चलता रहे, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड बनाइए। अब यहां पर देखिए अलग है, 12 है 8 है ये 12 है, कैसे करोगे मैं ट्रिक बताऊंगा, बना बना कि सर 8 और 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ और तरीका भी है,
मैंने शाबाश, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को लाइक भी करें, जितना हो सकता है लाइक करें शेयर करें। 1900 बच्चे आ चुके हैं सेशन को देखने के लिए, आपको 2000 करना है, 100 बच्चे और ऐड करने हैं यार। फेसबुक पे शेयर करो और लिख दो कि सर आ जाओ जल्दी से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सर, 100 बच्चे अपने आप आ जाएंगे, 1900 बच्चे से 2000 अपने आप हो जाएगा। चलो अब ये काम आप काय देखो कैसे बनाओगे, देखो 8 × 5 तो आपने कहा सर माइनस का 40 हो गया और बीच में चाहिए प्लस का, क्या मिलेगा बताओ, 10 और 4 तो फैक्टर्स आपने कहा सर ये 10, ये माइनस का 4, 10 × 4 − 40, 10 में से 4 गया 6, है ना, फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर्स तो आपने कहा सर ये 10 और ये माइनस का 4, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एवरीवन क्लियर है, ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए, इसके बनाओ 12 × 8 = 96 हो गया और ये 22 है, तो माइनस का 16 और माइनस का 6, 16 × 6 = 96, 16 और 6 22, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 16 और प्लस का 6। अब सवाल यहां पे ये उठेगा सर इसकी मल्टीप्लाई क्या 12 से करें, क्या इसकी मल्टीप्लाई 8 से करें? अब 8 से करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा 12 से भी, तो एक काम करो आप दिमाग से खेलो 12 और 8 का बैलेंसिंग नंबर क्या होता है, 12 और 8 का बैलेंसिंग नंबर देखो, 12 और 8 में बैलेंसिंग 24 है, तो यहां मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से, और यहां कर दो 3 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां 12 से ना करके यहां 2 से कर दो और यहां 8 से ना करके यहां 3 से कर दो, 2 से किया -20। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या एक काम करो इसको भी छोड़ो, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा सर बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट, तो आप एक काम करो, रुक जाओ, रुको रुको, देखो देखो यहां मल्टीप्लाई किससे करना था सर 12 से और यहां किससे करना था 8 से, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, अगर 12 से करोगे तो आपको मिलेगा देखो -120 मिलेगा, पहले सुनना 12 × 48, फिर आप कहोगे 16 × 8 = 128 और 8 × 6 = 40, ये तो मिलेगा आपको, फिर आप बैलेंस करोगे और आंसर निकालोगे। लेकिन मेरा सोचना यह है कि ऐसे करने में अगर मान लो कुछ और बड़ा नंबर होता तो मैंने क्या कहा इसको बैलेंस करो, यहां 2 से करो और यहां 3 से, तो 12 से ना करके अब 2 3 से, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -20, 2 से करोगे 8, 4 × 2 = 8, ध्यान देना मेरी बात को, 3 से करोगे 16 × 3 = 48 और 3 से करोगे 18, लेकिन सर ये बैलेंस तो हो नहीं रहा है, पॉइंट यही तो है मेरा, और क्या कहना है कि यहां पर थोड़ा इस तरीके का बैलेंस नहीं करना है। बहुत कह रहे सर 2 से करना है, बहुत लोग कह रहे 3 से करना है, तो जब आपने इसको 2 से किया तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। यहां पर ये चीज नहीं करनी है, यहां पर इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी जितने लोग कर रहे, क्योंकि देखो अब यहां से दो अलग अलग आंसर आएंगे, अगर आपने 2 से किया 8 18 तो ये अलग आंसर देगा, ये अलग आंसर देगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जो 2 3 वाले थे उनको समझ आ गया एक बार यस कर दे, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बैलेंस नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो यस करो। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि 2 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई करके चीजें क्या हो रही है अलग अलग हो रही है, तो क्या करेंगे सर? देखो अब सवाल है सर, तो क्या 2 3 से करना था, नहीं करना? देखो प्यारे बच्चों यहां 12 था और यहां 8 था, इन दोनों का बैलेंसिंग सोचो, इन दोनों का बैलेंसिंग 24 के साथ साथ कितना है, देखो 8 12 8 96, तो आपने कहा अगर मैं इसको 4 से कर दूं, है ना, ये देखो, या एक काम करो तुम इसको रहने दो, समझ नहीं पाओगे तुम, 12 8 से ही मल्टीप्लाई करो, छोड़ रहने दो, 12 8 से ही करो, अब ऐसे ही निकाल लो वरना रहने दो कंफ्यूजन में रहेगा, 12 8 से ही करो, काट के मत करो। तो आपने कहा सर ये इसमें ये बड़ा है, इसमें कौन सा, इसमें ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, बराबर है, तो x < =y, तुम रहने दो इसको, छोड़ो अभी, मत सीखो अभी, ये ध्यान रखो कि एज इट इज नंबर से मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? क्लियर है? इजी है? एक बार यस कर दें, अरे हाँ ना कुछ तो कहो, इजी है सर, समझ में आ रहा है? तो यहां से आंसर इसका क्या है, x < =2 है, तो अब 12 और 8, आप इसको 2 और 3 से मत करना, 2 3 से करोगे आंसर बदल जाएंगे, फिर मुझे मत कहना सर आंसर गलत आ रहा है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, बस ध्यान रखो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और, ठीक है ना, चलो 30 सेकंड है, बनाओ, चलो 30 सेकंड है, फैक्टर्स बनाओ, काटने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप काटो ही मत, 1996 बच्चे हो चुके हैं, काटो मत बेटा, 2000 होने वाले, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को।
काटने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, काटने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है ना, काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करो, आप लेट्स सी। अब देखो 16 × 10 कितना, 16 6 का कितना हो जाएगा बच्चे 96, और ये चाहिए 20, तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे 12 और 8, तो आपने क्या कहा सर -12 -8, कोई दिक्कत एवरीवन, पहले समझो, पहले समझना मैडम कॉन्सेप्ट बाद में, ठीक है। यहां पे आपने कितना कहा 24 10 240 भाई, 24 का 10 × 240 और आपको चाहिए 38, तो कितना मिलेगा बताओ। अब ये वाला काम खराब हो गया, तो इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करना सिखाया था मैंने, 24 × 10 ही तो करते हैं, तो ब्रेक किया आपने, तो आपने कहा कि 2 × 4 × 8 = 24 और ये 2 × 5 = 10, अब आपको 38 चाहिए और 240 चाहिए, क्या मिल सकता है, फैक्टर्स बहुत जरूरी है समझना। तो क्या करा आपने, देखो हमें इसको बैलेंस करना है, हमें इसको बनाना है फैक्टर्स से, इससे हमने पहले ब्रेक कर दिया 240 × 10, 2 × 4 × 8 = 24 और ये इसको 10 और ले लो यहाँ पे बाद में, क्योंकि तो 24 था ना, 2 × 4 × 8 = 24, अरे सही तो है यार, तो कर रहा हूँ मैं 24 × 10। अब देखो हमें ब्रेक करके 38 बनाना है, 38 कैसे मिलेगा समझना, आप देखोगे 5 × 10 और 3 = 30 और ये 8, तो आपने कहा सर 30 × 8 = 38, 30 × 24, तो फैक्टर्स क्या मिले आपके पास में, फैक्टर्स क्या मिले 30 और 8, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या कहा सर -30 और -8, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले हाँ या ना बोलो सर, एवरीवन फास्ट। अब सवाल उठता है सर इसकी मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी, इसकी 16 से करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 120, 8 से किया 80, 16 से किया 16 × 3 = 418 और 16 × 8 = 128, अब कंपैरिजन, तो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये बड़ा ये बड़ा, इसमें ये बड़ा ये बड़ा, तो आपका आंसर एक्स बड़ा है वाई से, इजी है। कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट फास्ट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सर, अरे हाँ ना कुछ तो कहो। अब यहां पर जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है पहले तो ये बताओ, एवरीवन कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना कुछ तो कहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सबके, 2000 बच्चा देख रहा है सेशन को। सीएनडी क्यों आंसर, सीधे आंसर है पहला ऑप्शन, एक्स बड़ा है वाई से, इजी है। चलो एक और, एक सवाल और बच्चे के मन में आ रहा हो सर इसमें 2 कॉमन ले लूं, भाई क्यों कॉमन ले रहे हो, डायरेक्टली करो ना फैक्टर। देखो अगर आपके फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, आपका सवाल बिल्कुल सही है, अगर फैक्टर्स नहीं बन पा रहे तो आप कॉमन भी ले सकते हो, 8x² 2 से 10x और 2 से 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 × 3 = 24, तो आपने कहा सर 6 और 4, तो -6 - 4 फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से काट लिया 5y², 2 से काट लिया था 19y और 2 से काट लिया था 12, 12 × 5 = 60, तो -15 - 4 लो, फर्क नहीं पड़ेगा मैं कह रहा हूं, तो यहां मल्टीप्लाई 5 से, यहां मल्टीप्लाई 8 से लो, तो 6 × 5 = 30 और ये 20, 15 × 8 = 120 और ये 32, इसमें कौन सा बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, कम ऑन एवरीवन, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको बड़े नंबर देखने में तो आप काट भी सकते हो यार, गॉट इट, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड का समय बढ़ाइए। अब दोनों का कॉफिशियंट यहां पर सेम है, देखो दोनों का कॉफिशियंट सेम है, तो डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई डायरेक्टली फैक्टर बनाओ। अब देखो 12 × 24 + 36 × 72 + और ब्रेक कर लो, बनाओ बनाओ शाबाश बेटा, याद रखना क्वाड्रेटिक एग्जाम में पूरे पूरे 5 नंबर लेके आएगा। बनाओ 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 बनाओ। अब देखो 12 × 24 तो ये 8 और 3 तो -8 और -3 मिलेगा,
दोनों प्लस के हो जाएंगे, ना ही डिवाइड करना ना ही मल्टीप्लाई, 36 दूनी 72 तो माइनस का 8 और माइनस का 9 दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब ना ही डिवाइड ना ही मल्टीप्लाई, ये बराबर है, इसमें इसमें ये बड़ा है, 3 8 में 8 बड़ा है, 3 9 में 3 बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू y। 30 सेकंड में होगा नहीं होगा बताओ, कम ऑन। बाकी मैं देखो अभी SBI, ये तो क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आए हुए, कल मैं आपको एजिटिस क्वेश्चन कराऊंगा जो SBI PO में पूछे गए थे 2019 में, फिर मैं आपको IBPS PO, मतलब कल का सेशन मेरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आस्क्ड इन एग्जाम, जो कल एग्जाम में पूछी गई है। पहले बताओ बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर रूट वाले भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। तो जितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, जरा यार 1200 लोगों ने लाइक किया है, तो ये 1200 कम से कम 800 लोग अभी और लाइक से बच रहे हैं, भाई कर दो जल्दी से अगला सवाल। तो x लेस देन इक्वल टू y आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से अगेन दोनों का बेस सेम ही है, तो ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई, सीधे फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने की बस कला आपको आनी चाहिए। आप देखो भाई डिवाइड तो करना नहीं, फैक्टर बनाना, इसकी मल्टीप्लाई से करो, तो 3 × 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5 × 5, तो आप कहोगे सर 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, तो 25 में से 15 ले आता, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 25 और प्लस का 15, तभी तो माइनस का 10 मिलेगा। अब ये वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, बस यही चीज तो समझानी मुझे आपको। ये देखो इसके फैक्टर आ गए, सिमिलरली इसको 36 × 108, ठीक है 36 × 108। अब कैसे ब्रेक करोगे, ब्रेक कर लो तो 3 × 36 को क्या लिख सकता हूं, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, नहीं सॉरी अब 21 चाहिए ना आपको, देखो इसको और ब्रेक कर लो, 3 × 2 × 3 × 6, 6 × 2 = 12 और 9, तो माइनस का 12 और माइनस का 9 दोनों प्लस के हो जाएंगे, और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, डिवाइड करना नहीं, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, माइनस वाले में ये बड़ा है, तो आपका आंसर CND, इजी है। अरे हाँ ना कुछ तो कहो सर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बच्चे बोलो आसान लग रहा है कि लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोगों ने इसका आंसर किया CND, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब है। यही चीज तो समझनी, एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी तो मार्क्स पूरे पूरे आएंगे। ठीक अगला सवाल, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे कोफिशिएंट अलग अलग है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स देखने में बड़े लग रहे ना कि सर 54 है 35 है क्या करेंगे, बनाओ शाबाश। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज तभी समझ में आएगा जब कल का देखा होगा। पांच एक्स स्क्वायर 33x + 54 = 0, 3y² + 26y + 35 = 0, आ जाओ क्या करेंगे फैक्टर्स, इसकी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई मत करो, 5 × इसको ब्रेक करो, क्या लिख सकते हो 54 को, 9 × 6 = 0, तो 3 × 3 = 9 और 6 को लिखा, 3 × 2 = 6, अब 33 बनाओ, तो देखो 3 × 3 = 9 × 18, 3 × 3 = 9 × 18, 5 × 3 = 15, मिल गया, तो आपने कहा सर -15 - 18, गॉट इट। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से, ये 3 ऊपर जाएगा, नीचे वाले के फैक्टर बनाओ, 35 × 3 करना है, 105, तो ये तो सीधे हो जाएगा 21 और 5, है ना, तो आपने क्या कहा -21 - 5, मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो आपने कहा 3 × 5 = 45, 18 × 3 = 54, 5 से किया 105, 5 × 5 = 25, अब जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो अगेन आंसर CND, एक बार फिर से CND आंसर है ना, क्योंकि 45 105 है, 45 बड़ा है,
पैंतालीस पच्चीस में पच्चीस बड़ा हो गया, साइन उल्टे हो गए, तो सी एंड डी आंसर। आंख बंद करके भाई, यस, अरे हाँ ना कुछ तो कहो। सर ऐसा ही लेवल आएगा आपके एसबीआई पीओ प्री में, आप मान लो इस बात को, दिमाग में सेट कर लो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी रिमेन सेम। आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो 30 सेकंड में, बस मुझे ये जवाब चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या था? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ई, अगेन सी एंड डी। तो याद रखना कि एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, भाई फैक्टर्स निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चा अभी भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बनाओ तो हलवा है क्वेश्चन, हलवा। और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यहां पर। पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो सही से, हालांकि दोनों का कॉफिशियंट देखो सेम है, तो इक्वेशन को सही से बैलेंस करो। पहले तो आधा क्वेश्चन तो इक्वेशन को बैलेंस करके सही हो जाएगा। सुमन भारती कह रही है फैक्टर बनाने में मुश्किल। सुमन आप मेरा कल का वीडियो एक बार फिर से देखना, आज का वीडियो भी एक बार फिर से देखना, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, आओ पहले इक्वेशन को सही करो। 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, इसको आपने सही किया। 5y स्क्वायर प्लस का 11y माइनस 12 बराबर 0, तो आपने फैक्टर देखा, देखो 12 पंजे 60, तो माइनस 15 4, तो इसके मिले बेटा माइनस 15 माइनस 4, है ना, दोनों प्लस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बताओ 12 पंजे माइनस का 60, तो इसके फैक्टर मिलेंगे प्लस का 15 माइनस का 4, तो साइन बदल जाएंगे, माइनस 15 और प्लस का 4। अब कंपैरिजन कर लो, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बराबर है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, कुछ है ही नहीं मेरे भाई, इजी है। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो सर। सी एन डी क्यों आंसर कर रहे हो यार? कहाँ सी एन डी मेरे भाई? यार 15 में से 4 गया, क्या ना 15 चार माइनस 60, साइन बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, प्लस 15 माइनस 15, 15 बड़ा है, 15 4 15 बड़ा है, 4 15 प्लस का ही बड़ा होगा, 4 4 बराबर है, क्या दिक्कत है? क्यों सी एन डी यार? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे अकॉर्डिंग। CND क्यों? जिनके CND आंसर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, क्यों CND कर रहे हो यार? कहां गलती कर रहे हो? CND हर बात पे CND, ये आसान है, सिंपल है, स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड के लिए तो मैं वही तो आपसे बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, ओरल करने की कोशिश करो। अगला सवाल चलो, नेक्स्ट बनाइए। इस वाले को देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ये क्यूब 131, ये तो इजी हो जाएगा, इसके निकाल के फैक्टर आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाई लेवल, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देख रहे हो इसमें बच्चे आंसर नहीं सही कर पा रहे। अरे आएगा भैया, मैंने आपसे एक बात बोली थी, देखो मुझे फिर गुस्सा आ रहा है, शेड्यूल मैंने बताया था कि डेली क्लास होगी, लेवल धीरे धीरे आप करूंगा, तो जो बच्चे जिनको आता है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो 30 सेकंड में करने की कोशिश करो ना भाई, आपको आता है, आप सारे क्वेश्चन, आप मैंने 10 दिए, आप 10 के 10 क्वेश्चन 30 सेकंड में करो, चैलेंज ये है आपके लिए, और जिनको नहीं आता वो सीखने की कोशिश करो, तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है, आपको आता है आपने 30 सेकंड में कर लिया। आप अगर आपको आता है और आप 30 सेकंड में नहीं कर पा रहे तो किसी काम का नहीं है वो ज्ञान, पॉइंट समझना। ये कितने का है? 11 मिल जाएगा। अब ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, अंडर रूट 11 प्लस का और माइनस का अंडर रूट 11। रूट 11 की वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 3 3 9 कितना मान लो, 3.4 अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स। क्यों, कोई दिक्कत? ये माइनस का, ये प्लस का, ये आ गई एक्स की वैल्यू, ये तो कर ही लिया बस, 34 का स्क्वायर है ना, तो मैंने अप्रॉक्स ले लिया, वैसे कमी होती है पर मैंने भी किंडिंग दिया अप्रॉक्स। 55 का डबल 110, तो ये जाएगा माइनस 10 माइनस 11, दोनों प्लस के हो जाएंगे, और इसमें कॉफिशियंट से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कॉफिशियंट था ही, तो वाई की वैल्यू आ गई 5 साढ़े 5। अब बताओ
इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा, इसमें यही बड़ा, यही बड़ा, तो x लेस देन 4 हल हुआ था। अब मुझे जानना देखो, अब भी सी एन डी कर रहे हैं जो बच्चे हाई लेवल वाले ना, वो सी एन डी कर रहे हैं भाई, क्या फायदा? आप कह रहे हैं आपको आता है लेकिन आप 30 सेकंड में नहीं कर पा रहे, तो किसी काम का नहीं जो ज्ञान आप लेके बैठे हो। आपको बेटा एग्जाम क्वालिफाई करना है, 30 सेकंड कम से कम टाइम है आपके पास, क्यों भूल जाते हो? जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, प्लस में जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको भी मैं 30 सेकंड का ही सजेशन देता हूं। जिनका रॉन्ग हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, आप ये भी तो देखो। जाहिर सी बात है, एक्स छोटा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, एक्स लेस देन वाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। आपने क्या दिया, खुद देख लो, आपने क्या आंसर दिया, आप खुद देखो ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, मजा आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो कहो, एवरीवन इजी लग रहा है क्यों? एक सवाल और दूं? चलो एक सवाल और, ये बहुत इजी है। मुझे नाइट सारे बच्चे मुझे 1700 कमेंट 30 सेकंड के अंदर स्पीड से चाहिए। लेट्स सी, दोनों का कॉफिशियंट सेम है, बस फैक्टर्स निकाल के आंसर दो जल्दी से, फटाफट से, गलत नहीं होना चाहिए। जिसका गलत होगा वो अपने अपने गाल पे थप्पड़ लगाएगा कि भाई गलत क्यों हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया, भाई देखो गलत बात है यार, है ना, सिर्फ 1400 लोग बैठे लाइक करके, एंड स्टिल 600 लोग नहीं बैठे, क्यों भाई, नहीं मजा आ रहा है क्या? तो देखो 12 × 7 कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, और ये 17 तो क्या मिलेगा, 21 और 4, ये देखो, तो ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। अब ये 7 × 48 कैसे बनाओगे? तो ब्रेक कर लो, 48 में क्या लिख सकते हो, 3 × 6 = 48, है ना, इंटू 7, तो देखो 7 × 21 = 42, कुछ नहीं मिलेगा, तो 2 × 4 क्वेश्चन, बस फैक्टर सारा खेल में आपसे क्या कहता हूं, फैक्टर्स का है, आपने उसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, आपको 62 चाहिए, दोनों माइनस से आएंगे जाहिर सी, और लास्ट में आपको 6 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो देखो, तो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है, इसके फैक्टर समझो ना, 2 × 4 = 12 × 24, देखो इसको ब्रेक करते हुए चलो, 2 × 4 = 8, 8 × 7 = 56, देखो 2 × 4 = 8 ये मिल गया, और ये 56 और 6, बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो -56 और -6 दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब कंपैरिजन करना है दोनों का, सेम था, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो सीधा है x लेस देन y। इजी है कि नहीं, कमेंट करके बताओ सर, एवरीवन फास्ट, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जितने भी लोग हैं मैं सबसे जानना चाहता हूं कि चीजें सिंपल लग रही है कि आसान लग रही है, कमेंट करो यस और नो, सब कम ऑन फास्ट, यस सर फैक्टर में, मैं कह रहा थोड़ा टाइम लगेगा जो बड़े फैक्टर्स होंगे, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आप छोड़ के आ जाओ, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपके घर के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चे? इस वाले क्वेश्चन का सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, जितने देख रहे हैं, मैंने कल भी देखा, कल मात्र 300 कमेंट आए थे बस, मतलब 300 लोगों ने कमेंट किया, गलत बात है यार, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अरुण सिंह रावत। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहला में जैसे कि आप गूगल पे भी मुझे सर्च मार सकते हो मैथ्स बाय अरुण सर से, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह। पहला क्वेश्चन आएगा आईबीपीएस पीओ प्री 2019 के सवाल है। जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी से कहूंगा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन 30 सेकंड का टाइम होगा, आपको लगाना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आज प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 30 सेकंड का समय, जवाब दीजिए, बनाइए। 1400 लोग लाइव देखने आ चुके हैं, वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिए।
चलिए टाइम यहां पे समाप्त हुआ, तो आइए जान लेते हैं कितने लोगों ने, ये आईबीपीएस पीओ 2019 का सवाल है, तो लेट सी सीएनडी। देखो यही मुझे बस लगता है कि बच्चे देखते ही आंसर, अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। बिल्कुल सही जवाब इसका सीएनडी था। आइए सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स निकालना है, 12 है 7 है, तो आपने कहा सर माइनस का 3 और माइनस का 4 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे एक्स के फैक्टर। वाई के फैक्टर आपने कहा 12 चाहिए 8 चाहिए, तो आपने कहा सर माइनस का 6 माइनस का 2 दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब कंपैरिजन करना है, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, तो साइन हो गए अपोजिट, आपका आंसर सी एन डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर 5 को किया था क्लैपिंग के लिए। तो ये आईबीपीएस पीओ प्री का सवाल है जो अभी अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ज्यादा पुराना नहीं है, बस 6 महीने पुराना क्वेश्चन है। ठीक, अगला सवाल, लेट्स सी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व कीजिएगा। आज तकरीबन 20 सवाल हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स बनाने की प्रक्रिया को समझिए, अब ध्यान रखना दोनों का कॉफिशियंट सेम है, तो यहां डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे फैक्टर बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। और 30 सेकंड में ही करना है, अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको मेरे क्वाड्रेटिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने की जरूरत है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा 56 माइनस का, और आपको कितना चाहिए 1, तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे 8 और माइनस 7, 8 में से 7 दिया प्लस का 1, 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्लस का। तो ये तो आ गए आपके एक्स के फैक्टर, गॉट इट, ये आ गए आपके एक्स के फैक्टर। अब इस वाले को देखो, 56 इंटू 2 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको लिखो 2, 56 को लिख सकता हूं 8 7 जा 56। अब देखो क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16 और 7, तो फैक्टर्स क्या मिल गए y के, माइनस का 16 मिलेगा और माइनस का 7 मिलेगा, बट ये माइनस थे दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब कंपैरिजन कर लो, इसमें करोगे ये बड़ा, इसमें करोगे इससे ये बड़ा, ये बराबर है और ये बड़ा, तो x लेस देन इक्वल टू y इसका आंसर हो गया। ना मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना, दोनों का कॉफिशियंट सेम था, तो सही जवाब क्या है एक बार देख लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर डी। तो जरा कमेंट करके बताओ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा एक बार यस कर दें। 1700 लोग, इजी लग रहा है ये आईबीपीएस पीओ प्री का सवाल 2019 का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी यही रहने वाली है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, 30 सेकंड बनाइए, फैक्टर्स की कहानी आप कितना जल्दी बना पा रहे हो, शाबाश। अब इसको देखो, 60 दूनी 120 और ये चाहिए 7, 120 सोचो, 60 का डबल 120 चाहिए और 7 चाहिए, फैक्टर का खेल है बस, जितना जल्दी आप फैक्टर बना पा रहे हो। टाइम अप, और सबसे पहले नीचे वाले के बनाते हैं, 4 तियां 12 है ना, और ये 13 है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 12 और 1 बनेगा। अब प्लस प्लस का है दोनों, माइनस क्यों जाएंगे, तो यहां क्या करो, इसको ऐसी रहने दो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, दोनों अलग अलग है, तो यहां पे क्या करना है, इस वाले की 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो वाई के फैक्टर क्या आ गए, वाई के फैक्टर आ गए बेटा 12 दुनी 24 और माइनस का 2, ये आ गए आपके y के फैक्टर। अब x के निकालो, ये 62 जा 120, 120 और ये 7 है, तो क्या मिलेगा 15 और 8, 15 जा 120, तो माइनस का 15 प्लस का 8, भाई माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7, 15 जा 120, तो फैक्टर क्या मिलेगा, प्लस का 15 उल्टे हो जाएंगे माइनस का 8, और मल्टीप्लाई किससे कर लो, 3 से कर लो, तो जब 3 से करोगे तो x के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 45 और 24 आ गए एक्स के फैक्टर। अब कंपैरिजन, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ये बड़ा है, बराबर है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा सी एन डी, क्योंकि यहां साइन उल्टे हो गए ना, तो दैट इज ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई, एक्स बराबर वाई और नो रिलेशन। तो पिछले बार के सवाल आप देख पा रहे हो सर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 30 सेकंड में आराम से हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को 30 सेकंड से कम में 30 सेकंड से ज्यादा में टाइम लगेगा, बशर्ते अगर आपको क्वाड्रेटिक को अच्छे से, आप पिछली बार 5 नंबर फ्री के होते हैं यार। नेक्स्ट एक और जल्दी से 30 सेकंड, फैक्टर्स बनाओ, 84 चाहिए 21 चाहिए,
मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हूबहू मिलेंगे एग्जाम में, हूबहू बनाओ बनाओ समझ। और जिनको सेशन में मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ सर हम कुछ नहीं करना है, देखते चलो, दोनों कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो आंसर सी एंड डी। दस सेकेंड का सवाल था, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है, दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो आंसर सी एंड डी। आईबीपीएस पीओ में आया था क्या? 30 सेकंड के लायक सवाल था ये? आप बताओ सर, दोनों के कांस्टेंट जब भी नेगेटिव होते हैं उस केस में आंसर सी एंड डी। मैंने पहले बता चुका हूं पहली क्लास में, जो नहीं देखने आता भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो मजा आ रहा है जरा वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से यार, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे, देखो 800 लोगों ने लाइक किया है, मजा आ रहा है। एक और नेक्स्ट बनाइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 वाई माइनस 9 स्क्वायर बराबर 0। लेट सी, एक सेकेंड का क्वेश्चन था, बनाओ बनाओ शाबाश। अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू, एक आप कहोगे सर प्लस का 9, एक आप कहोगे माइनस का 9। सही है बच्चे, यहां से कितनी वैल्यू आएगी वाई की? तो आप कहोगे वाई की वैल्यू आएगी ओनली प्लस का 9, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 0 तो ये आ जाएगी, है ना। तो आपने क्या कहा भाई, इसको अगर आप फर्दर ये निकालोगे तो कुछ है नहीं, देखो यार ये दो है, या दोनों वैल्यू भी आएंगी, दोनों प्लस की आएंगी अगर मैं बात भी करूंगा तो, एक से लो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इसमें ये बराबर है, इसको इससे कंपेयर अगर किया तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो इसको एक रखो दो रखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों सही कह रहा हूं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। कितने लोगों ने आंसर किया था ये देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। इजी है, समझ आ रहा है? फिर सी एन डी लग गए कुछ लोग करने, भाई तुम लोगों को एग्जाम में सी एन डी आंसर मिलेगा ना तो उसे ही करना, तो तुम्हारे जो 5 नंबर है 1 नंबर तुम्हारा इसी बात से कट जाएगा। अगला सवाल चलो भाई, नेक्स्ट एसबीआई पीओ प्री 2019 आ जाओ 2000। अभी तो 5 क्वेश्चन ये वो थे जो आईबीपीएस के थे, अब 5 सवाल वो देखो जो एसबीआई पीओ के हैं, ठीक है शुरू करें। पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, फैक्टर्स भी देख लो कैसे हैं, बनाओ बनाओ शाबाश। और कितने लोग इस समय लाइव है जरा देख लेते हैं एक बार, दिख तो रहा नहीं है वैसे, खैर Academy. चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। अच्छा देखो क्या आंसर दिया कुछ लोगों ने फिर से सी एंड डी। देखो 4 3 12 और ये कितना चाहिए 7, तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे? माइनस का 4 और माइनस का 3, दोनों फैक्टर हो जाएंगे प्लस के। अब आप क्या करोगे, दोनों प्लस के हो गए तो यहां मल्टीप्लाई 7 से कर दो, तो ये जाएगा x के फैक्टर 7 4 28 7 3 21, तो ये तो आ गए x के फैक्टर, ठीक है। y के निकालते हैं 7 6 42, तो माइनस का 14 और माइनस का 3 दोनों प्लस के हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई यहां किससे करनी है 4 से, तो y हो जाएगा 14 4 56, 4 3 12 प्लस का, तो ये आ गए आपके y के फैक्टर। अब कंपेरिजन, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें ऊपर वाला बड़ा, तो साइन उल्टे हो गए, तो आपका आंसर सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5वां ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है कि लग रहा है जरा एक बार कमेंट कर दो, जितने भी लोग हैं सर आसान है, अरे कमेंट करो हाँ या ना, यस मजा आ रहा है सबको। चलो एक और सवाल जल्दी से फटाफट से, एसबीआई पीओ पर ही दूसरा सवाल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख लो लास्ट ईयर में कैसा आया था, इस बार भी अगर आपको लग रहा है कि सर मुश्किल आएगा, मैं गारंटी देता हूं इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्री की सोच ये रखी जा रही है कि बच्चा जल्दी करे, ना कि क्वेश्चनों को करे। यार आपको मैंने दिखाया था 35 में से 35 भी नंबर आए बेटा, आरबीआई की जो कट ऑफ गई थी ना वो 90 प्लस गई थी, आप इमेजिन कर लो। तो एसबीआई पीओ की लास्ट ईयर कट ऑफ 71 थी, लास्ट ईयर 71 प्लस गई थी एसबीआई पीओ की कट ऑफ, कहां हो
SBI PO की लास्ट ईयर कट ऑफ 71 थी। 71 का मतलब कि मैथ्स में 25 नंबर तो मिनिमम है, और जब 25 मिनिमम है तो क्वाड्रेटिक का लेवल ऐसा ही रहा होगा, ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। 12 साल तो माइनस का 4 और माइनस का 3 ओरल इतनी प्रैक्टिस कर ली है, 5 और 4 तो माइनस का 5 और माइनस का 4 दोनों प्लस करेंगे सब, इसमें इसमें ये बड़ा बराबर ये बड़ा ये बड़ा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 10 सेकंड लगा मुझे करने में, आपको कितना लगा मुझे नहीं पता। तो मैं फिर से कहूंगा, जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, आप जहां भी पढ़ रहे हो अपने टीचर से यही कहो कि अगर वो आपकी स्पीड बिल्ड कर पा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी टीचर से पढ़ने के बाद आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो कोई मतलब नहीं, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहां पर देखो हमारा वो वाला काम नहीं कि आपको सिखाना है। मैं फिर से कहूंगा, अगर हमारा काम सिखाने का होता तो मैं तो आपसे कहूंगा आप साल दो साल पढ़ते रहो, लेकिन यहां पे बात हो रही स्पीड की, ये तो आपको बहुत पहले से आता है यार, सारा खेल स्पीड का है बच्चे। आप 30 सेकंड में बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, चलो अगला सवाल है SBI PO 30 सेकंड है, ओरल करो 45 9 5 14 9 और 5 18 12 6 हो गया ओरल, देखते हैं आप कितने लोग आंसर सही कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा सर वाई वी आर टेकिंग अमित पंडित, अगर आप मेरे पहले सेशन में थे तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं बता दूं साइन बदल जाते हैं दोस्त, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो जाएंगे। 1800 बच्चा लाइव है लेकिन एक भी बच्चे ने जो है इस समय वो नहीं किया, क्या नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत कम लोगों ने। तो पहला काम तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आओ तो सिंपल है माइनस 9 और माइनस का 5 तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, फैक्टर्स आ गए तो माइनस का 12 और माइनस का 6 कंपैरिजन, इसमें ये बड़ा है इसमें कौन, देखो 9 12 में ये बड़ा है 9 6 में ये बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल समझदार के लिए चारा काफी होता है। तो 1900 लोगों को मजा आ रहा है सर, हाँ या ना बोलो, यस आज मेरा फास्ट भी है तो एनर्जी नहीं आ रही, आपको पता है नवरात्रि आज अष्टमी है, कल पूजा होगी घर में, तो आज फास्ट रखा हुआ है पूरे दिन भर का, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मेरा फास्ट है, आप स्लो मत होइए, है ना, स्लो नहीं होना है, स्पीड फास्ट पकड़ना है, फास्ट में फास्ट रखना है। अगला क्वेश्चन बनाइए, शाबाश, थोड़ा स्पीड से 30 सेकंड देखते ही बनाने की हैबिट बनाओ। 45 दूनी 90 माइनस 10 माइनस 9 4 दूनी 8 8 और 1 फटाफट फटाफट, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, कल सिखाया था मैंने। 1940 लोग आ चुके हैं, बस 1940 लोग ही आए हैं, गलत बात है, शेयर करो वीडियो को। और 1300 लोगों ने लाइक किया है, बस देखने हो 1900 में से 1300, बाकी पता नहीं कहां बैठे हैं। माइनस का 10 और माइनस का 9 कैसे आया, 45 दुनी 90 और 19 चाहिए तो माइनस 10 माइनस 90 प्लस का, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, डिवाइड मत करो, यानी का मत करो। 4 दुनी 8 तो माइनस 8 माइनस 1 8 का 8 और 9 तो प्लस का 8 और प्लस का, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बड़ा है ये बड़ा ये बड़ा है तो x बड़ा है y से, ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों ने ए किया था भाई, मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर किया होगा मुझे लगता है, और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये और बताओ। अगला सवाल जल्दी से 30 सेकंड है ना, मैंने कहा मेरा फास्ट है पर आपको स्लो नहीं होना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। बनाओ बनाओ शाबाश, 2000 बच्चे आ चुके हैं यहां पर सेशन को देखने के लिए, बस 1300 लोगों ने लाइक किया है ना। चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 144 तो एक्स की वैल्यू प्लस का 12 और माइनस का 12। अब यहां से बताओ तो यहां से वाई की सिर्फ ए की वैल्यू आएगी माइनस 12 जीरो जाए, इसमें इसमें ये बड़ा है ये बराबर है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। कोई सीएनडी वाला तो नहीं था आप में से, कोई था सीएनडी वाला,
जो सीएनडी वाला है वो जोर से अपने गाल पे चाटा लगाओ, क्यों लगाओ कि क्यों गलत कर रहे हो यार, इतने बार समझाने के बाद भी गलत हो रहा है तो फिर चाटना तो बनता है ना बॉस। नेक्स्ट, किसी और के मत मार देना, अपने ही मानना। आओ चलो, आरआरबी पीओपी 2019 के सवाल है। अब एसबीआई खत्म हो गया, आरआरबी के सवाल आ जाओ। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको सच्चाई का पता चले कि यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्चुअली जो मैं पढ़ाता हूं वो क्या है और जो आता है वो क्या है। बनाओ बनाओ बनाओ। और ये 2000 बच्चे आप आए, मैं आपको ये भी एश्योर कर देता हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे डेली 4 बजे आते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। एक बैंकिंग के अगर जो मैथ्स पढ़ने आते हैं वो 4 बजे ही आते हैं। आप सारे यूट्यूब चैनल खंगाल के देख लो कि बच्चों को ट्रस्ट है जो पढ़ाते हैं सर वो एग्जाम में भी आता है। क्योंकि मेरा भी यही सोचना है कि आज के समय में समय तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बताया था मैंने, पावर 2 है तो प्लस का 4 माइनस का 4, पावर 1 है तो 1 ही वैल्यू आएगी केवल प्लस का 4, इसमें बराबर है ये बड़ा है तो एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू वाई। आ जाओ कौन सा ऑप्शन हो जाए। अभी देखो ये गलत लगाया ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत लगाया बेटा, ये बाय मिस्टेक ये वाला ऑप्शन होगा, ये हमारी टीम ने गलती से लगा दिया भाई, थोड़ा सा खिसकाना था। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, टीम ने ये ऑप्शन गलत लगा दिया, इसका आंसर ई नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी बेटा, 64 आएगी केवल, ठीक है ना, प्लस की आएगी। तो इसमें तो बराबर है और इसमें ये बड़ा है तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, जो सी एन डी कर रहा था वो भी गलत है। तो ये टीम ने गलती से लगा दिया, ये इस वाले पे आना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट, चलो बनाओ बनाओ शाबाश। अगला सवाल, इक्कीस सौ बच्चे देख रहे हैं, आ जाओ शाबाश। ट्राई करो, देखो क्या करना है। फैक्टर्स 21 × 3 कितना हो गया 63, तो आप कहोगे बीच में 16 है तो 9 और 7, तो 9 और 7 दोनों माइनस के हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई करो क्रॉस मतलब 6 से, तो 6 × 9 = 54, 7 × 6 = 42, तो ये आ गए x के फैक्टर, ठीक है। y के निकालो 12 × 6 = 72, और ये 17 है तो 9 और 8, तो माइनस का 9 − 8 होगा कि दोनों प्लस के हैं, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लो तो ये आएगा 3 × 9 = 27, 3 × 8 = 24, ये आ गए y के कंपैरिजन। माइनस में जो इतना छोटा वो उतना बड़ा, इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, ये बड़ा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है x छोटा है y से। क्यों सीएनडी भाई, एक मिनट भाई, सीएनडी क्यों सीएनडी, कौन है ये सीएनडी वाला, जो सीएनडी है उसके कंटाप लगना चाहिए जोर से। क्यों सीएनडी भाई, क्यों सीएनडी भाई, 16 है तो 9 और 7 = 16, 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे वाला 6 उल्टा करते हैं ना, तो 6 से किया 54, 7 × 6 = 42 x के फैक्टर। y के आपने कहा 9 और 8 = 17, 9 × 8 = 72, प्लस के दोनों माइनस के हो गए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27 24, तो भाई ये दोनों छोटे हैं ना तो जाहिर सी बात है y बड़ा होगा x छोटा होगा, आप चेक कर सकते हो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों गलत कर रहे हो यार, हाँ भैया क्यों गलत कर रहे हो, गलती से भी गलती क्यों हो रही है मुझे ये जानना है। आज तीसरा सेशन ले रहा हूं, कल भी चौथा सेशन लूंगा, अभी तक जितना लेवल मैंने आज तक पढ़ा दिया बेटा प्री निकाल लोगे, अंडर रूट वाले क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, कराऊंगा लेकिन कल कराऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गलत हो क्यों रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करना भूल गए, एग्जाम में भूल जाओगे ना तो एग्जामर आपको भूल जाएगा और आप भी जानते हो एग्जामिनर अगर भूल गया तो समझो बस नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से 30 सेकंड, भूलना नहीं है, फास्ट बनाओ 30 सेकंड है। ओरल करो, ओरल एक्स स्क्वायर 10x = 24, तो 6 × 4 = 24 = 10, 18 × 72 9 और 8, अभी करवाया था। हाँ सीएनडी वालों के यार जो जिनके गलत हो रहे, देखो जा मैं आपको बताता हूं, एक काम करो, चलो
आपके जितने सवाल आज गलत हो रहे हैं आप उतने चाटे अपने गाल पे मारो, उसके दो फायदे होंगे। देखो आपको मालूम है जब बचपन में गलतियां होती थी ना तो हम पिटाई करते थे, तो जितने चाटे आपके आज लगेंगे ना तो आप जिंदगी में गलत एग्जाम में गलत कभी नहीं करोगे, क्यों? एग्जाम में भी हैबिट हो जाएगी, अगर गलत किया तो चाटा पड़ेगा, इसलिए गलती नहीं होगी। आ जाओ 10 24, तो प्लस का 6 प्लस का 4 तो माइनस 6 माइनस 4। अब इसका देखो 72 तो माइनस का 9 माइनस का 8, लेकिन यहां कॉफिशियंट है और यहां नहीं है, तो यहां किससे करनी पड़ेगी, 4 से, है ना? तो x के फैक्टर आ गए 24 और 4 चौक 16, ये तो आ गए x के फैक्टर, और यहां 1 है तो यहां 1 से कर लो, तो माइनस का 9 और माइनस का 8। अब जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये तो सीधा सीधा आंसर है x लेस देन y। मेरे भाई 1500 लाइक बस इस सवाल तक के लिए, 2100 बच्चे देख रहे हैं, 1500 लाइक करके ही बैठे हो तुम लोग, है ना यार? इतनी मेहनत से पिछले सालों के पेपर खंगाले हैं, गूगल पे टाइप किया, ढूंढा, चिपकाया, 1500 लाइक दिया है बच्चों ने। चलो भाई तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से, 30 सेकेंड है, बनाओ। अच्छा ऐसे वाले भी मैंने करवाए नहीं आपको, ऐसे वाले छोड़ दो, ऐसे करवाए नहीं थे ना ऐसे वाले, ठीक है ये बनाओ। चलो इतने में बनाओ बनाओ, शाबाश। एक मिनट, पिछले सवाल में, अरे अरे एक मिनट, एक सवाल रह गया अभी, इस वाले में साइन चेंज नहीं किए, ये प्लस के होंगे दोनों, सॉरी, तब भी हालांकि यही बड़ा होगा पर ये प्लस के होंगे, सॉरी ये मैंने साइन चेंज करना भूल गया था, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा बट ये प्लस के होंगे, 9 और 8 माइनस के ना, साइन चेंज नहीं किए, सॉरी। हाँ ठीक है, साइन चेंज कर लिए, परेशान क्यों हो रहे हो यार, हो जाती छोटी छोटी गलती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं, है ना? चलो इजी लग रहा था प्लस, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसका आंसर देखते हैं भाई, 6 9 54 और 9 और 6 15, तो ये मिल जाएगा 12 8 96, और ये क्या मिलेगा, पहले टाइम देखते हैं, आ जाओ बना बना, आंसर सेम ही रहेगा बट फर्क नहीं पड़ेगा, बनाओ बनाओ शाबाश। थोड़ी एनर्जी नहीं आ रही, कुछ खाया नहीं सुबह से, थोड़ा सा एनर्जी कम आ रही होगी, है ना? कोई इशू नहीं, अच्छा आपको स्लो नहीं होना है लेकिन आपको फास्ट ही करना है। 15 6 90, क्या कर रहा हूं, 9 6 54, तो माइनस का 9 और माइनस का 6 दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से, तो 12 9 10 8, 12 6 72, ये आ गए इसके फैक्टर x के। अब y के तो 12 8 96 माइनस का, और ये 20 है, तो क्या मिलेगा, 24 और माइनस 4, 24 × 4 96, 24 में से 4 गया, तो ये साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ मल्टीप्लाई 9 से कर लो, तो 9 4 36, 18 216 और 9 4 36, तो फैक्टर आ गए वाई के। कंपैरिजन इसमें तो भाई देखो प्लस ये बड़ा, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, साफ साफ एक्स बड़ा है वाई से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इजी है। सब लोग फिर सीएनडी वाले आ गए भाई, उनके लिए क्लैपिंग, मैं कहूंगा जिनका सीएनडी आंसर आ रहा है उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, देखो ठीक, तो ये 5 नंबर पूरे पूरे पक्के करने हैं यार, क्यों हल्के में ले रहे हो। नेक्स्ट डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट याद रखो, आओ जल्दी से आओ, फटाफट से आओ। IBPS PO प्री 2018 का सवाल है, अब 19 के खत्म हो गए, 19 में मैंने 3 एग्जाम लिए हैं, कौन कौन से, 19 के मैंने 3 एग्जाम लिए हैं, SBI PO, IBPS PO, RRB। अब IBPS PO 18 का भी लेवल देख लो, आपको ज्यादा बड़ा दिख नहीं रहा होगा, मतलब 18 से 19 में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है और प्री में बदलाव होता भी नहीं है, बस यही दिखाना है मुझे, बनाओ 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 शाबाश।
नौ दुनी 18 और बीच में कितना चाहिए 9, तो 6 और 3, तो 6 और 3 दोनों माइनस को जाएंगे बाद में और मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 15 6 90, 15 3 45, तो ये आ गए x के फैक्टर। 15 चको 60, 10 और 6 माइनस के हो जाएंगे और यहां मल्टीप्लाई 2 से, -20 और -12 y के, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो x छोटा है y से, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अभी तक के सारे सवाल सही हुए, जरा जल्दी से कमेंट कर दो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, है ना। तो आप देख सकते हो, तो ये सारा का सारा पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, होमवर्क वगैरह इस वाले को ट्राई करो, उसके बाद सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आप घर पे लगाना इस वाले का आंसर। जिसके सारे सही हो रहे हैं यार, वो तो कम से कम लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दो, 1600 हो गए हैं, 2400 500 बच्चों ने लाइक और रह गए हैं, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। बहुत सारे लिख रहे हैं सर लाइक, अब इसको देखो 256 किसका होता है, 16 का, तो 2 से काट दोगे 8 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई सिर्फ 2, 10 दुनी 20, -4 -5 दोनों प्लस के हो जाएंगे और कॉफिशेंट से डिवाइड कर दो, तो ये 2 और ये 2.5, क्योंकि यहां पे इसका कॉफिशेंट नहीं है, क्यूब इक्वेशन थी है। ये इक्वेशन क्यूब वाली है, स्क्वायर वाली अलग अलग है, तो आप सेम मत समझना, इसमें बराबर है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन दोनों का क्या था, ये पावर सेम नहीं है, जब पावर सेम तब डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करते, यहां पावर भी अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर एक क्यूब है बेटा, एक स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है, क्या समझ में नहीं आया बताओ। भाई 2x क्यूब 256 है, तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से काट दिया 8 हो गया, तो एक्स क्यूब 8 किसका होता है, 2 का, 4 5 प्लस के बनेंगे कॉफिशियंट से डिवाइड कर दो, 2 और 2.5 सही है, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, और बाकी सारे क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी जरा कमेंट करो फटाफट से, और जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से, बाकी सारी पीडीएफ जितने भी ये पीडीएफ हैं। समय का मैं बहुत बात कर ली, और उसके अलावा जैसे गूगल उगल से भी आप देख सकते हो, चलो आओ जल्दी से, टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, देखते हैं आज कितने लोग क्वेश्चनों को सही करेंगे, सही है, तो शुरू करें, जल्दी से शेयर कर दो। चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, 30 सेकंड का समय, हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो देखते ही बोल देंगे आंसर सी एन डी, क्यों, दोनों नेगेटिव है तो कंफर्म है कि आंसर सी एन डी होगा। ये ट्रिक मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि जब दोनों नेगेटिव में होते हैं तो सी एन डी, बट होल्ड ऑन, आप उसके फैक्टर निकालिए और तब आंसर दो। आंसर मैं फिर से कह रहा हूं, इसका जिसने आंसर कर लिया बहुत बड़ी बात नहीं है, सी एन डी आंसर होगा, सब कर लेंगे। चलो लेट सी गाइस, लेट्स सी कितने लोग आंसर कर रहे हैं सी एन डी। मैंने कहा देखो सी एन डी निकालना, मैंने कहा जिसने सी एन डी का उसके लिए कोई क्लैप बनता नहीं, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं अगर आप सी एन डी कर रहे हो। क्यों सी एन डी कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों अगर नेगेटिव के हैं तो आंसर सी एन डी होता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। तो आंसर क्या होगा, आइए इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमको, तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो सीखो मेरे साथ, ठीक है। अब कमेंट स्टॉप, देखो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6√3x -48 इज इक्वल टू में 0, आप इसके फैक्टर निकालना सीखा, ठीक है बच्चे, आप इसके क्या करो फैक्टर निकालना सीखो, सही है। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आपको हाइड कर दे रहा हूं, है ना, मैं अपने आपको हाइड कर दूं तो समझाने में मेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, एक मिनट।
चलो एक बार जरा कमेंट कर दे सर, मैं हाइड हो गया, ठीक है चलो। तो अब मेरे लिए समझाना मुझे लगता है ज्यादा इजी होगा इसको, है ना? ठीक, आ जाओ तो समझते हैं, है ना? देखिए फैक्टर्स निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन को आप इक्वेशन को देखना बहुत ध्यान से, इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे देखो, मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स रूट थ्री एक्स माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए मैंने अपने आप को हाइड कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे इस रूट थ्री को यहां से हटा देंगे और इसके अंदर जो थ्री उससे डिवाइड कर देंगे, मैंने पहले भी समझाई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और जब तीन से काटोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 16 बराबर जीरो। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने सर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स रूट थ्री एक्स माइनस 48 था, तो इस रूट थ्री को यहां से हटा दिया, प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको यहां से हटाया तो उसके अंदर तीन से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे एज यूजुअल सॉल्व करते हैं, फैक्टर क्या बनेंगे भाई, आपको 16 चाहिए और 6 चाहिए, तो माइनस 8 प्लस का 2 फैक्टर बन गया, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का 8 और ये माइनस का 2। अब जो हटाया था उसको फिर से लगा दो, आना समझ में, ये 2 है ना, जो आपने कहा हटाया था उसको आप फिर से लगा दो, ये देखो तो इसके ये फैक्टर बन गए। एवरीवन क्लियर हो गया? अब इस वाले के भी आ जाओ, यहां से इसको हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, और ये हमने सीखा हुआ था माइनस का 4 प्लस का 3 है ना, तभी माइनस 1 मिलेगा और ये मिल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा प्लस का 4, जो हटाया था उसको लगा दो रूट 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 रूट 2। एवरीवन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो इसको इससे कंपेयर किया तो ये बड़ा, इसको फिर इस वाले से कंपेयर किया तो ये बड़ा, साइन उल्टे हो गए, तो आंसर सी एंड डी सिंपल। तो आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि सर आप आंसर निकाल पा रहे हो, एवरीवन से यस और नो कमेंट फास्ट। वो बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों के कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो आंसर सी एंड डी है। जो बच्चे बाद में आए हैं उनसे मेरा कहना है अगर आप सी एंड डी आंसर निकाल रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। यस, आपको ये काटना सीखना है, रूट थ्री रिमूव किया आपने तो ये सिक्स एक्स हो गया, फिर क्या करना है इस थ्री को इससे डिवाइड कर दो, ये देखो तो आपने कहा ये 16 हो गया, फिर आपने कहा रूट टू हटा दो, रूट टू को हटाया तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 12 हो गया, और बाकी जो फैक्टर्स आप नॉर्मल बनाते हो उसके बाद जो हटाया उसको लगा दो, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एक सवाल और दूं मैं सही, चलो एक सवाल और देखते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर सी एंड डी था, हमें फैक्टर्स निकालने हैं, चलो आप ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 24 वाई स्क्वायर माइनस 8 रूट 3 45, ये हटाने की कोशिश करो बाद में फिर लगा देना, चलो बनाओ। कंपेयर करना बताऊंगा अंकित वर्मा, परेशान मत हो, आ जाओ। देखो इस इक्वेशन को रूट टू से हटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर्स क्या मिलेंगे 4 और 3, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 हो गया। अब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4, जो हटाया था उसको लगा दो रूट टू, यहां पर माइनस का 3 हो जाएगा रूट टू, तो ये आ गए इसके फैक्टर, किसके आ गए एक्स के, यहां रूट थ्री हटा दो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 15। तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 15 बराबर में 0, तो सेम माइनस 3 माइनस 5 दोनों प्लस के हो जाएंगे और जो हटाया था रूट 3 लगा दो, तो ये आ गए इसके फैक्टर। अब बच्चे कह रहे सर इसे कंपेयर करना सिखा दो एक बार, देखो तो जिनको कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, देखो 3 रूट 3 4 रूट 2, 3 और 4 में 4 बड़ा है, फिर आपने कहा सर 3 को कंपेयर किया इससे, ये प्लस है ये माइनस है तो ये बड़ा है, तो अगेन आंसर सी एंड डी। तो आंसर तो सी एंड डी है इसका, बट कंपैरिजन करना समझ आ रहा है। फिर आप क्या करते हैं, इसको इसको कंपेयर करते ये बड़ा, इसको इसको कंपेयर करते तो भी ये बड़ा होता, लेकिन साइन यहां ही उल्टे हो गए, गॉट इट? तो आंसर हो गया सी एंड डी। जितने लोगों ने सी एंड डी आंसर किया समझ आ रहा है, 1800 लोग एक बार कमेंट कर दें यस और नो, जरा कमेंट कर दे सर कम ऑन फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर वाई नो रिलेशन सी एंड डी, क्लियर हुआ? रूट निकालना कितने लोग जिनको समझ आ गए एक बार जरा
थम्स अप कर दे और कमेंट सर में लिखने की यस सर हम समझ गए। मैं आगे चलने से पहले जानना चाहूंगा कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है सर हम एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। अरे बोलो, ये क्वेश्चन पहली बात तो प्री में नहीं आते। आई रिपीट अगेन, ये क्वेश्चन प्री एग्जाम्स में नहीं आते, ये आएंगे तो भी मेंस एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं। ठीक, बट समझ आ रहा है फिर भी उसके बावजूद भी? ठीक है, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कौन करेगा भाई? 790 लोगों ने लाइक किया बस, और 1800 लोग देख रहे हैं। कम से कम जल्दी जल्दी लाइक करो। अगला सवाल इतने में आपके लिए फटाफट से। ओहो चलो 30 सेकंड बनाइए फटाफट से। क्या करना है? रूट थ्री को हटाओ यहां से, यहां से भी रूट टू को हटाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। सर अगर कांस्टेंट टर्म में रूट हो तो? रोहित कुमार तुम्हारे सवाल पे भी आऊंगा, चिंता मत करो। भाई लाइक कौन करेगा? सही बात है, पड़ोसी लाइक करेगा क्या? आ जाओ, पहले तो रूट थ्री हटा दो तो 3 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और 3 से डिवाइड किया तो -14 है ना, बराबर में 0। तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे बताओ? 5 चाहिए और 14 चाहिए, 7 × 2 = 14। तो आप कहोगे सर प्लस का 7 और माइनस का 2, तभी तो 7 × -14 होगा और 5 होगा। तो ये वाला हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा बेटा प्लस का। साइन बदल देने हमेशा, ठीक है? जो हटाया था उसको लगा दो रूट थ्री। तो ये आ गए आपके एक्स के कॉफिशियंट। एक बार यस करें तो ये आ गए आपके एक्स के कॉफिशियंट। यस, नाउ इसको देखो, रूट टू हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो आपने का इक्वेशन वाई स्क्वायर -8y प्लस 15 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या मिलेंगे? -3 -5, बाद में दोनों प्लस के हो जाएंगे और जो लगाया था उसको हटा दो, ये रहा। अब देखो कंपैरिजन कैसे करना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें कंपैरिजन ना रूट में करने में दिक्कत हो रही है। तो एक काम करो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, इसका स्क्वायर कर लो। देखो इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 × 2 = 18, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50। लो आसान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है सर रूट में हमें दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या कहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप स्क्वायर कर दो, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, 5 × 5 = 25 × 2 = 50। यहां साइन नहीं बदलेगा, ये साइन ऐसी रहेगा, 7 × 7 = 49 × 3 × 147, साइन वही रहेगा, ध्यान रखना। प्लस 2 × 2 = 4 × 3 = 12। लो कंपैरिजन कर लो। अब आप कंपैरिजन करोगे इसमें और इसमें, ये बड़ा है इसमें और इसमें, ये बड़ा है 50 में, ये बड़ा है 50 को 12 से किया, ये बड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बड़ा है? वाई बड़ा है एक्स से, तो आप सीधे कहोगे, या फिर एक्स छोटा है वाई से। समझ आ गया? अरे बोलो कुछ तो कहो, यस नो यस नो यस नो, एवरीवन फास्ट। बेटा सारे नंबर को लेके आऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स लेस देन वाई। तो अगर कंपैरिजन करने में दिक्कत हो रही है तो क्या कहा मैंने आपसे, स्क्वायर कर लो। लेकिन याद रखना, स्क्वायर करने पे आप लोग जितने भी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब स्क्वायर आप करोगे ना तो साइन मत बदल देना कि माइनस का प्लस कर दो, साइन एज इट इज रहेंगे। बस नंबर का स्क्वायर करना है, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, 5 × 5 = 25 × 2 = 50, 7 × 7 = 49 का रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, 2 × 2 = 4 × 3 = 12। समझ आ गया भाई? 1900 लोग कुछ हाँ ना तो बोलो। ठीक चलो अगला सवाल, अभी चिंता मत करो, एक और सवाल है, आओ नेक्स्ट। चलो सेम क्वेश्चन है, बनाइए, सबके आंसर चाहिए मुझे इसमें। देखो मैंने खुद को हटा रखा है ताकि आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन वो ना हो, मतलब आपको दिक्कत ना हो समझने में। बनाओ बनाओ समझ। एवरीवन फास्ट। कोई आंसर किसी के पास? लेट्स सी एवरीवन। देखो मैं बार बार आपसे कहूंगा, क्वेश्चन को समझना है एक्चुअली में। क्या होता है ना, अभी जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। बनाओ बनाओ बनाओ, इजी है, हलवा है।
कोई आंसर नहीं है। आ जाओ देखो भाई क्या करना है, सेम अप्रोच थी। बहुत सारे लोग को पता नहीं कहां पे दिक्कत आ रही है, मैं बहुत टाइम दे रहा हूं यार आपको करने के लिए, एंड स्टिल यू पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व। गलत बात है यार, आओ ई ऑप्शन कर रहा है, सी एन डी सी एन डी। रूट थ्री पहले यहां से हटा दो और तीन से डिवाइड कर दो, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। तीन कहां से आया, ये तीन से डिवाइड करके, तो आपने कहा सर तीन चाहिए, तो माइनस का तीन और माइनस का एक दोनों प्लस के हो जाएंगे, जो हटाया था उसको लगा दो, क्या दिक्कत है। देखो अगर आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत है तो स्क्वायर कर लो, तीन तिया नौतिया सत्ता, तीन तिया नौतिया सत्ताईस, ये आ गया एक का और ये तीन हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लिया आपने, एक्स के फैक्टर आ गए, गॉट इट। वाई के निकालेंगे, इसको हटा दो, तीन से डिवाइड करोगे छह, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस का छह बराबर जीरो, तो फैक्टर क्या मिलेंगे, माइनस का तीन और प्लस का दो, भाई तभी तो माइनस वन मिलेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, फैक्टर्स बदल जाएंगे। तो आपने क्या किया, इसको माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो ये आपने माइनस कर दिया, और जिसको हटाया था रूट थ्री को उसको लगा दो। अब स्क्वायर कर दो अगर आपको रूट में दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या कहा, तीन का स्क्वायर नौ तिया सत्ताईस हो जाएगा ये फिर से, और दो दुनी चार तिया माइनस का बारह, तो ये हो गए आपके वाई के फैक्टर। अब देखो इसमें इसमें ये बराबर है, इसमें इसमें ये बड़ा है, इसमें इसमें कौन बड़ा है, इसमें इसमें कौन बड़ा है, तो ये आपका आंसर साइन उल्टे हो गए। अरे कहां चला गया, साइन क्या हो गए थे, उल्टे हो गए थे ना, तो ये ऐसे हो गया था, तो साइन उल्टे हो गए, तो सी एन डी आंसर है, इजी है। हाँ भाई फैक्टर्स निकाल पा रहे हो सब लोग, जरा कमेंट कर दे सर कि हां समझ में आ रहा है, यस इजी था, है ना, तो बहुत इजी लग रहा होगा सबको, समझ में भी आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे सर कि एग्जाम में आएगा तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। कितने लोगों का क्वेश्चन सही हुआ था ये वाला, शायद मैक्सिमम लोगों का हुआ था। एक सवाल और अभी रुको, जिनके सही हो रहे हैं अच्छी बात है, एक और सवाल। अभी एक बच्चे ने कहा था कि अगर कॉन्स्टेंट में रूट हो तो क्या करेंगे, उसका सवाल आ गया। जो कॉन्स्टेंट में रूट होता है ना वो ज्यादा आसान होता है, कोई आंसर। अब देखो क्या करना है, सिंपल रखना है, क्वेश्चंस को पहले सिंपल बनाओ। हम देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर होती है प्लस या माइनस बी एक्स होती है, और यहां पर भी प्लस या माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होती ना सर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है, ए एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है और फिर क्या होता है, क्या हो रहा है यार, मैंने क्या कहा, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, इस फॉर्मेट में होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी और सी। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। आ जाओ, बहुत लोग सी एन डी कर रहे हैं, देखो तो आपने क्या किया, इसको सिंपल वे में बनाओगे इसको, तो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स यहां पे भी है और एक्स यहां पर भी, दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो पहले, तो अंदर बचेगा टू प्लस रूट फाइव और ये हमने बाहर x ले लिया और प्लस हो गया टू रूट फाइव बराबर जीरो। ये वाली बात समझ में आ गई तो जरा एक बार यस कर दें फटाफट से, क्योंकि मुझे समझाना है, देखो मुझे सॉल्व नहीं करना 30 सेकंड, मुझे समझाना है तभी आप आगे 30 सेकंड में सॉल्व करके आओगे, है ना सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स सी जीरो, गॉट इट। आपको पहले सिंपल फॉर्मेट में उसको बनाना है, ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ ना बोलो भाई साहब, ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके कॉफिशियंट से करते थे, तो आप याद रखना टू रूट फाइव चाहिए, तो फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, माइनस का टू और माइनस का रूट फाइव, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दो यही मिल जाएगा, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, बाद में प्लस के हो जाएंगे, बस ये इसके फैक्टर आ गए एक्स के, क्वाइट इजी, कुछ है ही नहीं। फिर से रिपीट करता हूं क्या किया सर, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया था, ब्रैकेट लिया टू रूट फाइव, और ये मिल रहा है x, और ये मिल रहा है टू रूट फाइव बराबर में जीरो। तो आपने क्या करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉफिशियंट से करते थे, तो ये टू रूट फाइव मिल रहा है, बीच में यही है, तो फैक्टर इसके एज इट इज आ जाएंगे सर, माइनस टू और माइनस का रूट फाइव, और बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव क्यों जाएंगे, तो ये आ गए एक्स के फैक्टर। नाउ इजी, ना तो हमने इसमें किसी को हटाया ना कुछ लगाएंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करना है ना। इसमें क्या कहा, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, तो रूट थ्री प्लस रूट टू ब्रैकेट में वाई प्लस रूट छ बराबर जीरो, तो जो अंदर होते हैं वही कॉफिशियंट, तो माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, ये आएंगे कॉफिशियंट, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये आ गए वाई के कॉफिशियंट। अब कंपेरिजन, इसमें और इसमें रूट थ्री और टू में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है टू बड़ा है, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.73। अगर आपको लग रहा है कि सर आपको वैल्यू भी याद नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर कर लो, अगर आपको नहीं निकालने आ रहा तो थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स के वाई के फैक्टर, इसके मैंने कहा फोर और ये फाइव, ये एक्स के फैक्टर, आप कंपेयर कर लो, तो तीन और चार में चार बड़ा है, तीन और पांच में पांच बड़ा है, दो चार में चार बड़ा है, दो पांच में पांच बड़ा है, तो आपका आंसर एक्स लेस देन वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ ना कुछ तो कहो, जिनके कांस्टेंट अगर रूट में है वो ज्यादा आसान है बेटा, क्योंकि ना तो इसमें किसी को डिवाइड करना है ना ही किसी से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, तो जितना क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा ना उतना ज्यादा आसान होगा, गॉट इट। अभी देखो 1900 लोग देख रहे हैं यार, जल्दी से 2000 कर दो, 1920 लोग देख रहे हैं, 80 और चाहिए बस, 2000 का आंकड़ा छूना चाहिए, देखो डेली का मेरा टारगेट है 2000 बच्चे कम से कम डेली आए, अभी आप लोगों को करना है, अगला सवाल आने से पहले शेयर करो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तभी दूंगा, जरा शेयर करो फटाफट से, 1927 हो गए, चलो जल्दी से, बस 80 लोगों को जोड़ना है यार, नेक्स्ट फटाफट चलो, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया वैसे, अरे सॉरी एक्स बड़ा है, सॉरी एक्स बड़ा है, उल्टा हो गया, एक्स बड़ा है, माफ कीजिएगा, एक्स बड़ा है वाई से, सॉरी लेस नहीं होगा बड़ा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, एक्स बड़ा है क्योंकि बड़ा तो इधर की तरफ है ना, मुंह एक्स की तरफ है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स मोर है, एक्स मोर है, क्लियर, एक्स मोर होगा, ठीक है हाँ सही है सही, एक्स ए ऑप्शन आंसर होगा, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और ट्राई करेंगे सारे लोग, ये देखो देखने में बहुत हलवा है, देखते कौन बनाएगा, शेयर करो फटाफट से वीडियो को, बड़ा 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 बहुत इजी है यार, लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड इट ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम।